गाइस, गुड मॉर्निंग। सो चालू करें। ओके, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू टुडे। ओके, आपकी आवाज बंद, मेरी आवाज चालू। उधर से जो लोग बात कर रहे हैं एकदम अपने आप को संभाले, इधर वाले भी संभाले एकदम खामोशी में, ठीक है ना? ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस। आप सभी लोग जानते हैं हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप सभी जानते हैं इस बारे में, और बताएंगे पूरे मिला के चैप्टर्स कितने हैं, पांच। और पांच चैप्टर्स में से हमने चालू किया चैप्टर नंबर चार। आपके लिए कल ये जो बातें बताना रहेगी आपके सामने स्क्रीन पर है, पांच चैप्टर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, राइट सर? वो सिक्स नंबर का चैप्टर कुछ दिख रहा है वहां पे, आपने कुछ लिखा है, बताता हूं उसके बारे में। वैसे तो बेसिकली हमारे सिलेबस में पांच ही चैप्टर है, आप उसके सामने उसके वेटेज भी देख सकते हो। देख सकते हैं? अरे देख सकते क्या? सभी का वेटेज 8-12 मार्क्स है सर। इसका मतलब क्या, पेपर कितने मार्क्स के लिए था? पेपर आता है 60 मार्क्स के लिए। सर 60 में से सॉल्व कितना करना है? 50 मार्क्स का सॉल्व करना है। सर उस 50 का डिवीजन कैसे होता है? 35 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं और 15 मार्क्स के लिए आपको आता है एमसीक्यू। और सेम चीज फॉलो होती है एसएम में भी 15 मार्क्स के एमसीक्यू और 35 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सर एमसीक्यू के लिए मेन जरूरी क्या, कैसे 30 में से 30 स्कोर किया जाए? हमारी जो मेन बुक है ना उसके बाहर कोई भी एमसीक्यू नहीं आता है, बिकॉज मेरी जो मेन बुक है जो आपको दी जाएगी, मेन बुक जो है वो पूरा मॉड्यूल का कॉपी पेस्ट किया हुआ है। यानी कि जो भी एमसीक्यू आईसीए बनाया है वो उसी बुक से बनाता है। इसके लिए आपके लिए खास मैंने एमसीक्यू की बुक भी बनाई है जिसमें लगभग 500 एमसीक्यूज आपको दी है, तो लगभग एमसीक्यू उसी में से ही आना है। हर कोई कॉन्सेप्ट के अंदर जो एमसीक्यू बनता है मैंने सोच समझ के सारे ऑप्शंस भी बनाए और आपको बुक भी दी जा रही है। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट, कम ऑन एवरीबॉडी। सो हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4, एम कॉमर्स, ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। कल हमने इसे शुरुआत की थी। वेरी गुड। आपके सामने स्क्रीन पर इस चैप्टर का बर्ड आई व्यू है, यानी कि पूरा चैप्टर जो है वो 6 हिस्सों में डिवाइडेड है। एंड द एंटायर चैप्टर इज ब्रोकन डाउन इनटू 6 पार्ट्स, यानी कि 12 मार्क के लिए आपको 6 अलग अलग हिस्सों में इस चैप्टर को पढ़ाने की आईसीए ने कोशिश की है। चैप्टर 4 में क्या क्या दिया हुआ है, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम मैं पढ़ूंगा, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा बिकॉज आपको कुछ पता ही नहीं। सिर्फ मैं बता रहा हूं 6 पार्ट्स है, नाम पढ़ के आपको कुछ नहीं समझेगा। सिर्फ है ई कॉमर्स के ऊपर कुछ पार्ट्स है, रिस्क ई कॉमर्स के रिस्क एंड कंट्रोल के ऊपर कुछ लिखा है, डिजिटल पेमेंट के बारे में कुछ लिखा है, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एंड गाइडलाइंस एंड लॉज, मतलब ई कॉमर्स करते समय अपने कौन से लॉ को फॉलो करना चाहिए उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो इस समय जो चार्ट है वो आपके मेन बुक पर नहीं दिखा देगा, ये आपके ईएस रॉक्स की बुक में ऐसे चार्ट्स मैंने बनाकर दिए हुए हैं। सर आपने इसी जगह पे कुछ पेज नंबर का भी जिक्र किया है, वो पेज नंबर यानी कि ये कॉन्सेप्ट 49 पेज पर दिया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट 52 पेज पर दिया हुआ है, ऐसे लिखकर दिया हुआ मैंने। और सर आपने अलग अलग कलर शौक से यूज किए? नहीं, ये सारे कलर के पीछे कोई राज छुपा हुआ है। यानी कि ब्लू कलर तो 49 पेज पर आपको ब्लू कलर पे ही सारा ई कॉमर्स का हर कोई क्वेश्चन ब्लू ब्लू दिखेगा आपको, नहीं समझे? आपको इसी कलर थीम यूज किया ताकि आपको अगर मान लो एग्जामिनेशन से पहले आपको अगर देखना है अच्छा इसमें से क्या मुझे आता है, सब कुछ आता है, सिर्फ रिस्क एंड कंट्रोल नहीं आता, तो आपको 52 पेज पे जाना और उतना ही पढ़ना है गाइस, कम ऑन। उसके बाद में भी आगे डिवीजन ये किया हुआ कि 58 पेज पे कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बड़ा है, इसीलिए कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी जो ऊपर दिख रहा है उसको और डिवाइड किया। और कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में इतने सारे बच्चे होते हैं, उन बच्चे कितने ज़रा देखेंगे, 10 बच्चे इस समय इस फैमिली में। कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इस चैप्टर का सबसे बड़ा एरिया है, जिसमें से एक एरिया को हमने कल चालू किया था, द नेम इज व्हाट, क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? सो आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस वी हैव स्टार्टेड 1 क्वेश्चन, दैट इज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। एंड इन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो वी आर हैविंग 10 डिफरेंट पार्ट्स, उसमें से एक पार्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग जिसको हमने कल चालू किया था। ऐसे करते 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 हमें 10 अलग 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 जो है यहाँ पे कुछ नाम दिख रहा है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, ऐसा नाम दे कंप्यूटिंग, यानी कि इस चैप्टर का अगर आप नाम देखते हैं तो इस चैप्टर के नाम में लिखा है, यहाँ पे नाम लिखा है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। क्या है? यानी ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के ऊपर 5 अलग अलग डिस्कशन हुए हैं और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर 1 डिस्कशन हुआ है। यानी कि ये चार्ट इस तरह से दिखता है आपको, मैं अभी आपको कुछ दिखा रहा था, आपको दिखा क्या मैं क्या कर रहा था, ये जो आर्किटेक्चर नेटवर्क है ना, ये ई कॉमर्स है ना, रिस्क कंट्रोल, डिजिटल पेमेंट और गाइडलाइंस, ये 5 जो क्वेश्चन है वो एम कॉमर्स ई कॉमर्स के ऊपर है। और चैप्टर का नाम सिर्फ एम कॉमर्स ई कॉमर्स नहीं, एम कॉमर्स ई कॉमर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उसके लिए ये कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आपको दिया हुआ है जिसको 10 पार्ट में डिवाइड किया है। यानी कि चैप्टर का नाम क्या, एम कॉमर्स ई कॉमर्स, जिसके ऊपर 5 एरियाज पर डिस्कशन किया हुआ है, 5 अलग अलग टुकड़े बनाए उसके, और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके आप देख सकते हैं अलग अलग 10 बच्चे बनाए हुए, और उसमें से हमने क्लाउड कंप्यूटिंग का चालू किया है। हे ओके,
हर अटेम में इन 10 बच्चों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस अटेम में जो क्वेश्चन आया था उसका नाम था BYOD, यहां दिख रहा है, उसका नाम है ब्रिंग योर ऑन डिवाइसेस। इसके ऊपर नवंबर 19 में ICAI ने क्वेश्चन पूछा BYOD। अब इस बार किसके ऊपर पूछेंगे, हो सकता है BYOD वापस भी पूछ ले। सो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग से हम लोग शुरुआत करें। आप सभी जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। आप बताएंगे क्लाउड किसको कहा जाता है? एनी लोकेशन विच इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर कॉमा एनी टाइम इन द वर्ल्ड, राइट? किसी भी जगह से कहीं भी जो एक्सेस कर पाए उसका नाम होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। एवरीबडी गॉट इट? आपने कल अमेज़न वेब सर्विसेज का नाम सुना था। अगर हम जैसे लोग जो गरीब होते, हमें अगर अपना खुद का क्लाउड नहीं बनाने की हमारी औकात नहीं है, प्राइवेट क्लाउड अगर हमें बनाना नहीं है तो हम यूज करेंगे पब्लिक क्लाउड को। एग्जाम्पल अमेज़न वेब सर्विसेज। दोस्तों मैंने भी कुछ यूज किया है पब्लिक क्लाउड, दिखाओ क्या, बोलो दिखाओ क्या, आइए देखते हैं। आपके सामने सबसे आखिरी में एक रिसीट दिख रही होगी, राइट? ये रिसीट है, ये मेरा क्लाउड कंप्यूटिंग का रेंट चुका था। वहां पे दिख रहा होगा, दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ, यहाँ पे नहीं, मेरी आंखों से देखो, कुछ तो दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे 1 ईयर लिखा हुआ है, 40,740 रुपए किराया मैंने खुद ने पे किया है। बताएंगे ये प्राइवेट क्लाउड है या पब्लिक क्लाउड है? यानी कि मैंने swapnilpatni.com को जब अपलोड किया था तो मेरे वेबसाइट पर आप लोग देख पाते हो, आप कभी भी उसको खोल सकते हो, बिकॉज वो क्लाउड पर है, वो मेरे सी ड्राइव में नहीं है। इसका मतलब क्लाउड तो मुझे भाड़े पे लेना पड़ेगा ना, तो किसी पे पास जाना पड़ेगा ना, तो मैंने उनको 40,000 रुपए किराया दिया 1 साल के लिए। ये तो पिछले साल की रिसीट है। इस साल का किराया लगभग 80,000 से ज्यादा है, क्योंकि इस बार मैंने अपनी कैपेसिटी को थोड़ा सा इनक्रीज किया हुआ है ना। आप जैसे लोग जब भी कभी आप अमेजोन जाते हो, फ्लिपकार्ट जाते हो, आप बहुत सारा डेटा एंटर करते हो, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका ये वो सब कुछ, वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। वो जिस जगह भी जाता है उसका नाम क्लाउड होता है। इसलिए अमेजोन को भी क्लाउड की जरूरत होती है, बिकॉज आपका डेटा वहां पे उनको स्टोर करना होता है। यानी कि जोमेटो जैसी वेबसाइट पे या किसी भी ओला जैसी वेबसाइट पे जब भी आप कुछ एंटर करते हो, इट हैज टू बी स्टोर्ड समवेयर। वेयर इट इज गेटिंग स्टोर्ड? इट इज गेटिंग स्टोर्ड ऑन क्लाउड, एवरीवन। सो जितना बड़ा धंधा होगा उतनी बड़ी जगह आपको लेना पड़ेगी। दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, प्राइवेट यूज करते हैं, कोई पब्लिक यूज कर लेते हैं। जो बड़े लोग हैं प्राइवेट यूज करते हैं, जो छोटे लोग हैं वो अपने जैसे लोग आम आदमी जो है वो पब्लिक यूज करेंगे। प्राइवेट में कौन पैसा लगाएगा? ओके एवरीबॉडी, ओके। आज मेरा जो प्रमुख क्वेश्चन है आपके सामने, हम क्लाउड के बारे में कल यूट्यूब को देखे थे, कल फेसबुक को देखे थे, इंस्टाग्राम आपने देखा, मैंने आपको सावन पे गाना भी चला के दिखाया था, हाँ या ना? वो यूट्यूब क्लाउड है, हाँ या ना? ऐसा क्यों लगता है यूट्यूब क्लाउड है? बिकॉज द डेटा विच इज देयर ऑन यूट्यूब कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी इन द वर्ल्ड, एनी टाइम इन द वर्ल्ड। डू यू थिंक इंस्टाग्राम इज ऑल्सो अ क्लाउड कंप्यूटिंग? बिकॉज वेन एवर यू अपलोड योर इमेज, इट इज नॉट शोन टू यू ओनली, इट इज शोन टू एवरीबडी हु इज योर फ्रेंड। एंड द सेम थिंग हैपेंस विद फेसबुक एज वेल, राइट? तो फेसबुक, अच्छा जान दो, क्या दुनिया की हर वेबसाइट क्या क्लाउड पर है? क्या हमने यही पढ़ा था? अगर वो क्लाउड पर ही ना हो तो दुनिया में सबको दिखती ही नहीं। अगर मैं वेबसाइट बनाऊं और अपने सी ड्राइव में रखता हूं, मेरे लैपटॉप में रखता हूं, तो क्या सबको दिखाई देगी? तो मेरे ऑफिस में एक बहुत बड़ा कंप्यूटर जिसकी हार्ड डिस्क की साइज 5 TB है, पर वो डेटा को मैं क्लाउड नहीं कहता हूं। क्योंकि 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 कमॉन कमॉन एवरीबॉडी, क्योंकि उसका डेटा कहीं और से दिखता, यहां से प्रेस्टीज पॉइंट का जो ऑफिस है मेरा यहां से भी नहीं दिखता। तो दुनिया की बात बहुत दूर की है, पर यूट्यूब का डेटा न जाने किस कोपचे में फिर भी मुझे दिखता है। क्या मैं कह सकता हूं क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करने के लिए हमारे पास में इंटरनेट का होना जरूरी है? कैन वी एक्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग विदाउट हैविंग इंटरनेट कनेक्शन? नो, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके गाइस, इस दुनिया में 4 टाइप के क्लाउड कंप्यूटिंग है। अब मैं बोलूंगा, आप भी मेरे साथ बोलोगे, कितने टाइप के क्लाउड है? 4। नाम बोलेंगे? सर हमको थोड़ी ना मालूम है नाम क्या है। इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड दिख रहा होगा। अरे बोल दो ना जरा, दिल में जो है आपके छुपा, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड एंड एक चौथा जिसका नाम है कम्युनिटी। मैं एक बार आप बोलूंगा, आप भी वैसे बोलना, ठीक है ना? मैं बोलूंगा एक बार, ट्राई करेंगे, और जैसा मैं रिदम दूंगा, जैसा मैं सुर दूंगा, वैसे आपको बोलना है। प्राइवेट, पब्लिक, रुको मैं बोलूंगा, वैसे जैसे मैं एक बार मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे, प्राइवेट पब्लिक भी मैं बोलूंगा, हाइब्रिड कम्युनिटी भी मैं बोलूंगा, पर फिर मैंने जैसा बोला फिर आप भी वैसे बोलना। ओके ओके ओके, प्राइवेट पब्लिक, फिर आएगा हाइब्रिड कम्युनिटी, एकदम हाइब्रिड कम्युनिटी बिल्कुल, और ये इतना ही हाई पिच में रहेगा, ठीक है? सब लोग साथ में बोलेंगे, अच्छे बच्चे जो नहीं बोलेगा 3 बार फेल होगा। कमऑन एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो कभी रीजनेबल बोलो, एक आध बार तो ठीक है, 3 बार कैसे होता है? ज़्यादा 3 बार भी फेल हो सकते हैं उसमें क्या? Come on guys, everybody, welcome back. बोलेंगे 4, 3, 2, 1, start. Private, public, hybrid, community. Okay? Once again, let's try. 4 points है।
4, 3, 2, 1, start now. Private, public. अब कम्युनिटी में एकदम आपको नीचे आना है, ठीक है ना, एकदम कम्युनिटी. ओके, अब देखेंगे दोस्तों इस क्लास को दो जेंडर में डिवाइड करेंगे, और मैं मानता हूं दो ही जेंडर यहां पे बैठे, एक महिला एक पुरुष है, ठीक है ना. तो जो पुरुष लोग हैं वो प्राइवेट पब्लिक बोलेंगे, बाकी सब काम महिला ही संभालेगी, ठीक है ना गाइस. और जो नहीं बोलेंगे बाकी लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना. ठीक है, अब देखो अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है ना. ओके गाइस एवरीबॉडी, प्राइवेट पब्लिक लड़कों को बोलना है, बाकी सब लड़कियां बोलेंगी, ठीक है ना. 4, 3, 2, 1 स्टार्ट नाउ. प्राइवेट पब्लिक. अरे अरे अरे, कुछ खाते वाते क्या? नहीं, उन लड़कों में एनर्जी देखो. एक बार लड़कों के लिए ताली बजाओ, क्या बात है, सुपर. इसको बोलते हैं जोश. और लड़कियों को लग रहा मंदिर की आरती चल रही है. एवरी कम्युनिटी, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, हौली हो गई क्या? कमांड गाइस यार, चलो एक बार देखेंगे. और अगर तुमने नहीं बोला तो हम लोग लड़कों को ही लड़कियों का रोल प्ले करने बोलेंगे, ठीक है ना, कोई बात नहीं. फिर से एक बार लड़कियों को जोश के साथ बोलना है. एवरीबॉडी कम ऑन, वेलकम बैक. हाँ, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट. बेटर. और कुछ लड़कियों ने कैसे बोला? वेलकम बैक. चलो कोई बात नहीं, कम से कम कुछ तो कोशिश तो की इस बारे में. नो प्रॉब्लम एट ऑल गाइस. सो इन अच्छा, ये सब मैंने क्यों करवाया? होमवर्क, ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़े और दूसरी बात आपको याद हो जाए. एग्जामिनेशन में पूछेंगे छा टाइपिक लॉर्ड कौन से, तो आप जोर से बोलना प्राइवेट पब्लिक कम्युनिटी, राइट. सो इसके पहले अच्छा, ये क्वेश्चन कितने पेजेस के लिए आपको आईसीए ने पढ़ा है? बहुत पेजेस इसके आपका देखना है, तो आप देख सकते हैं. मैं आपको मेन बुक पर ले जाता हूं ताकि आपको समझे ये कितने पेजेस के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है. पेज नंबर बोलो भाई. ये देखो, ये है प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड. देखो प्राइवेट दिख रहा है 4.33, 4.44 आपको दिख रहा होगा, 4.35 दिख रहा है, राइट. एंड ये मतलब साढ़े तीन पेज का कॉन्सेप्ट आपके सामने दिया हुआ है. आपके मेन बुक के हिसाब से साढ़े तीन पन्नों का ये कॉन्सेप्ट है. हम शुरुआत करेंगे, पर हमने आपके लिए खास चीज बनाई है. आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा. यही वो चीज है जो पूरा आईसीए ने जो लेट लेट कर लिख के दिया है ना, उसका साढ़े तीन पेज का ये सिर्फ एक शॉर्ट समरी है. इसको समझ जाएंगे तो उधर का कुछ भी समझ पाएंगे. ओके, रेडी गाइस? ओके फाइन. अब पहले तो मुझे ये बताने दो कि दुनिया में जब प्राइवेट नहीं था तो क्या था? कुछ भी बोलते, पब्लिक था. आप तो कुछ भी बोल सकते हो ना. चलो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं. ओके, मैं ऐसा लिखूंगा, अब जब प्राइवेट नहीं था. कॉन्सेंट्रेट करना, उधर के लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब लगते हैं मुझे. जब प्राइवेट नहीं था तो फिर क्या था? अरे प्राइवेट ने तो पब्लिक की दूर की बात है, हौला है क्या? पब्लिक तो थे ही नहीं, प्राइवेट भी नहीं था, पब्लिक भी नहीं था, तो क्या था? मतलब जब प्राइवेट नहीं था, यानी कि जब क्लाउड कंप्यूटिंग ही नहीं थे, जब क्लाउड ही नहीं था दुनिया में, तब क्या था? तो सर जब क्लाउड नहीं था तो क्या करते थे लोग? आज क्लाउड का एक ही, चाहे प्राइवेट क्लाउड हो चाहे वो पब्लिक क्लाउड हो, डेटा दुनिया में है, कहीं से भी एक्सेसिबल होता है. फर्क प्राइवेट और पब्लिक का इतना ही होता है, प्राइवेट क्लाउड वो होता है जिसमें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाउड खुद के अपने पैसों से बनाते हैं, और पब्लिक में किराए पर लेते हैं. पर दोनों के फीचर सेम ही है. डेटा विल बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एनी टाइम इन द वर्ल्ड, एवरीबॉडी. सब ये प्राइवेट वाला होता क्या है? प्राइवेट में मतलब कि एसपीसी का आज पब्लिक क्लाउड है, मैं सिर्फ किराए देता हूं, मेरा काम खत्म, बाकी सारा टेंशन उसका. 40,000 देखे काम नक्की कर दिया. आई जस्ट 40,000, आई एम नॉट वरीड अबाउट मेंटेनेंस, आई एम नॉट वरीड अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग एल्स, आई डोंट इवन बॉदर अबाउट सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर्स, आई डोंट इवन बॉदर अबाउट एंटीवायरस ऑफ द कंप्यूटर, बिकॉज आई पे रेंट. पब्लिक में रेंट देने का काम खत्म, टेंशन लेने का नहीं. प्राइवेट में क्या होता है? आई हैव टू डेवलप एवरीथिंग, आई हैव टू बाई कंप्यूटर्स, आई हैव टू इंस्टॉल कंप्यूटर्स, उसकी सिक्योरिटी मेरी, एडमिनिस्ट्रेशन मेरा, बिजली मेरी, सिक्योरिटी मेरी,
उसको मैनेज करने वाले बंदे मेरे, सारा टेंशन मेरा। तो सर दुनिया में क्या ज्यादा यूज होता है? पब्लिक। क्योंकि पब्लिक में टेंशन कम है, पैसा दो टेंशन खत्म करो। पर प्राइवेट में आई हैव टू परचेस एवरीथिंग, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय मी। मैं अपना स्वप्निल पाटनी क्लासेस के सीए कोचिंग क्लासेस चलाऊं या क्लाउड को मैनेज करूं, इसलिए मैंने सोचा काम करते हैं, प्राइवेट को मारो गोली, पब्लिक में पैसे लगाओ, आनंद उठाओ। समझ में आया मैं क्या शोर क्यों करते हो? प्राइवेट और पब्लिक में से मैंने चूज किया पब्लिक। पर कुछ लोग प्राइवेट भी करते हैं, पर सोचो सर, मान लो प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, तो दुनिया में तो कहीं से भी एक्सेस होते हैं। हाँ, तो सर फिर प्राइवेट पब्लिक नहीं था तो पहले क्या था? तो पहले ट्रेडिशनल था मेरे बच्चों। ट्रेडिशनल वो क्या होता है यार तुम? अरे मैं एक तो थोड़ा करता हूं, तुम उसको इतना कर देते। अब पहले ट्रेडिशनल में क्या था? ओके ओके बेटा उधर आवाज नहीं है। हाँ ठीक। अब देखो मेरी 160 ब्रांचेस है। अगर क्लाउड, आज मैं क्लाउड यूज कर रहा हूं, पर सोचो एसपीसी में क्लाउड यदि नहीं होता तो क्या होता? मेरी अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता। यानी कि मान लो ये जयपुर है, यानी कि ये इंदौर है, यानी कि दिल्ली है, यानी कि ये हैदराबाद है, यानी कि अहमदाबाद है, ठीक है ना? अब हर जगह पे लगा लो, ठीक है ना? अब क्या होगा सर, हर जगह पे अगर क्लाउड नहीं होता तो की बात कर रहा हूं मैं, कंफ्यूज ना हो। बिकॉज जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा क्लाउड नहीं था तो क्लाउड होने का असर का क्या फायदा होगा, ये तो उसके बाद ही समझेगा ना। तो नहीं होता तो क्या होता? हर जगह पे कंप्यूटर 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 हर जगह पे होता, हर जगह पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बिजली एसी सब जगह पे होती, यानी कि सब जगह पे इलेक्ट्रिसिटी होती, सब जगह पे मेरे एम्प्लॉयज भी होते, मतलब सब जगह पे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता हर जगह पे। और मैं पूना में, सबने अपना डेटा अपने पास ही स्टोर किया। जिधर एडमिशन हो उधर ही स्टोर हुआ, जिधर एडमिशन हो उसके हार्ड डिस्क में ही स्टोर हुआ। मैं पूना में बैठा, मुझे इनके एडमिशन देखना थे, I was not able to access their admissions because data was stored in their own computers. उनके हार्ड डिस्क में थे ना, तो मुझे पूना से तो कोई दिखता ही नहीं था। फिर मैं रोया, सर आप क्यों रोए? क्योंकि मुझे डेटा दिखा ही नहीं। Because I wanted to see the admission and I could not see the admission. मैं अपने एडमिशन, मेरी और नेशन के एडमिशन में देखी नहीं। 160 जगह पे मैंने फोन किया और पूछा बताओ कितने कितने एडमिशंस हैं। सबने मुझे ईमेल किया, सबसे मैंने पहले डेटा मांगा, फिर सबने मुझे डेटा दिया, फिर तब जाके कई हफ्तों बाद मुझे समझा कि कितने एडमिशन हुए। इट वॉज सो टायरिंग जॉब, इट वॉज नॉट एट ऑल रियल टाइम, एवरीबडी वॉज कीपिंग डेटा ऑन देयर ओन कंप्यूटर, आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेस द डेटा रियल टाइम। I am the owner of this organization and I am not able to access data. What the hell? Hey, what the F? Hey! Mandir hai mandir. Mandir mein what the F bolta hai? Devi aur sajjano suniye. Ye tab ki baat hai jab cloud computing the ya nahi the. Kitna bebas, kitna lachar tha main apni organization ka data. नहीं देख पाया मैं, सबसे भीख मांगता मैं, दे दो तब जाके डेटा मिलता मुझे। ये तब की बात थी जब क्लाउड, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये समझ में आया ना तो आपको क्लाउड की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। क्योंकि आज क्लाउड में ऐसा नहीं होता। आज अभी ये कब किया था? जब क्लाउड नहीं था, यानी कि प्राइवेट भी नहीं था और क्लाउड भी कुछ भी नहीं, मतलब क्लाउड ही नहीं था। इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं कि क्लाउड ही नहीं था। जब क्लाउड नहीं था तो एडिशनल था। सर फिर क्लाउड आने से क्या हुआ? क्लाउड आने से सर अब क्या हुआ? सबका डेटा जब भी एडमिशन हुआ, समझ गया सर क्या किया आपने? एडमिशन यहां पे हुआ, ये है जयपुर, एडमिशन इन्होंने सिर्फ एक लैपटॉप से एक मोबाइल से किया, ओके किया, इंटरनेट से डेटा यहां पे आया, ये है क्लाउड जिसका नाम रख दिया हमने एग्जाम्पल प्राइवेट क्लाउड। Hey guys, यहां पे प्रॉब्लम क्या थी? एक
मैंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर कितने खरीदे थे मालूम है क्या? 160 सॉफ्टवेयर आई परचेस्ड. एक सॉफ्टवेयर की कीमत मालूम थी 3 लाख रुपए. हर जगह पे मैंने सॉफ्टवेयर 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 5 करोड़ के सॉफ्टवेयर लिए थे मैंने. कितने? और यहां पे मैंने एक ही सॉफ्टवेयर लिया. सर एक ही सॉफ्टवेयर लेकर सबको दिख गया कैसे? क्यों? तो कितने फेसबुक है दुनिया में? एक ही फेसबुक सबको दिखता है. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ए कॉन्सेंट्रेट गाइस. वैसे ही ये क्राउड कंप्यूटिंग में प्राइवेट आने से क्या हुआ? पहले प्राइवेट का बोलता हूं फिर पब्लिक का बोलता हूं. सर प्राइवेट में क्या हुआ? मैंने स्वप्निल पाटनी क्लासेस ने क्या किया? प्राइवेट क्लाउड बनाया जिसमें मैंने एक सॉफ्टवेयर को यहां पे लगाया. सर प्राइवेट क्लाउड कहां पे रखा आपने? मैंने अपने ऑफिस में प्रेस्टीज पॉइंट के ऑफिस नंबर 15B में मैंने एक कंप्यूटर लगाया बड़ा. सर बड़ा क्यों? बिकॉज 160 ब्रांचेस का डेटा अगर एक जगह पे आएगा तो आई विल नीड वेरी बिग मशीन. बिग मशीन आई नीड. तो मैंने 5 लाख रुपए की मशीन ले ली. कितने की? फिर मैंने कहा, मेरे एक दोस्त ने कहा मुझे, बोले तू प्राइवेट के लफड़े में मत जा, तू पब्लिक ले ले. पब्लिक अमेजोन पे काय को एक खर्चा कर रहे हैं, सारी चीजें खुद की लगाएगा, एसी खुद के लगाएगा, कंप्यूटर खुद के लगाएगा, 2-3 इंजीनियर्स तुझे रखना पड़ेगा. मैंने कहा नहीं मैं खुद ही करूंगा. बोले कर ले. मैंने कहा कर लेता हूँ. फिर उसने कहा एक इंजीनियर रख दे वहां पे. मैंने कहा कितना उसका देना होगा? 40,000 रुपये पर मंथ का उसका देना पड़ेगा, यानी कि लगभग 5 लाख रुपये इसके भी देना पड़ेंगे मुझे हर साल के. है गाइस, यानी कि लगभग 5 लाख रुपये इसका भी खर्चा होगा. बोले इलेक्ट्रिसिटी तुझे 24 घंटे तेरे वहां पे इलेक्ट्रिसिटी और साथ में एसी लगाना पड़ेगी, यानी कि तेरा बिजली का बिल जो आएगा होगा कम से कम 30,000 रुपये महीने का आएगा. मैंने कहा कोई बात नहीं, 4 लाख इसके भी लगा दूंगा. समझ गए? यानी कि और एक सेपरेट रूम लेना पड़ेगी, वो रूम एक सेपरेट लगेगी उसको, क्योंकि वो रूम में बहुत हीट जनरेट होगी. इतना 5 लाख का कंप्यूटर अगर आप उसके पास में बैठ भी नहीं सकते, इतना हीट, कभी लैपटॉप को थाईस पे लेकर बैठो थोड़ी देर तक आपको लगेगा बहुत गर्म हो रहा है. तो सोचिए 5 लाख के कंप्यूटर में कितनी हीट जनरेट होगी, आप आसपास भी नहीं बैठ पाओगे विदाउट एसी. वो कंप्यूटर का रूल है, इट जनरेट्स लॉट ऑफ हीट. सो इसीलिए तो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर रूम में एसी होना जरूरी हो जाता है. तो उसको रूम में आपको रेंट लगेगा, रेंट मान लो 2 लाख रुपये का रेंट लगेगा साल भर में. पर सॉफ्टवेयर एक ही लगेगा. कितना सॉफ्टवेयर? सर एक ही सॉफ्टवेयर. अरे बोलो ना एक क्यों? क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर को सिर्फ यहां पे डाल दूंगा. सर आपकी तो 160 ब्रांचेस है, सबको दिखेगा. बेटा ये सबसे इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाएगा, तो भले ही मैं सॉफ्टवेयर यहां पे लगा रहा हूं उसका असर तो हर जगह पे आ जाएगा. तो सॉफ्टवेयर कितने हुए बच्चों? अरे बोल दो ना. और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ही. और पहले क्या था? हर जगह पे आईटी, हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह पे एसी, हर जगह पे सॉफ्टवेयर. यानी कि इसकी कॉस्ट जा रही थी अराउंड 7 करोड़, क्योंकि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ही 5 करोड़ की थी. ये कब की बात थी? अब मैंने क्या चालू किया और उसमें भी क्या चालू किया, यानी कि खर्चा लगभग आएगा मान लो कि अभी 3 लाख का सॉफ्टवेयर, 9, 10, 11, 12, आप मान लो मैक्सिमम 15 लाख रुपये का खर्चा है. अरे बोलो भाई, मैक्सिमम 15 लाख रुपये का खर्चा है. यानी कि कौन सा सस्ता हुआ मेरे हिसाब से, ट्रेडिशनल या प्राइवेट क्लाउड? प्राइवेट क्लाउड सस्ता हुआ. ट्रेडिशनल से प्राइवेट क्लाउड सस्ता और प्राइवेट से पब्लिक क्लाउड सस्ता. अब मुझे एक एक्सप्लेनेशन करना बाकी कि सर पब्लिक क्यों यूज करते हैं, बिकॉज पब्लिक जो है वो प्राइवेट से भी सस्ता होता है. अब मेरा सवाल है क्यों? क्या सर एक ही वजह सर, आपको लगता है कि प्राइवेट से पब्लिक सस्ता है? कैसे? ना वहां पे मुझे इंजीनियर लगाने का टेंशन, ना कि मुझे सॉफ्टवेयर लगाने का टेंशन. हाँ कम ऑन एवरीबॉडी, ना कि मुझे यहां पे एक रूम और एक कुछ भी मुझे लेने की जरूरत नहीं. अब क्या करूंगा मैं? अब मैं जाऊंगा पब्लिक क्लाउड पे. सर पब्लिक क्लाउड पे क्या होगा? ओनली एंड ओनली व्हाट? वो भी कितना? 40,000 per annum per year. समझ गया? आपको बिल भी मैंने दिखाया. अब मुझे बताओ पब्लिक क्लाउड में मेरा सस्ता कैसे हो गया इतना? बिकॉज वो धंधा लेकर बैठा है. एग्जाम्पल कौन है? अमेजॉन. एग्जाम्पल कौन है? गो. अरे ये क्या करके बैठे? इनके पास में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है. अरे 100-100, 200-200 acre की जमीन है. वो बड़ा एक वेयर हाउस जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखा है और उसमें बड़े बड़े मशीन रखे है. तो खर्चा मेरे अकेले के लिए नहीं ना, पूरा खर्चा सब में, आपने कॉस्टिंग पड़ी ना, सब में अपोर्शन हुआ.
सब में जाएगा, सब में डिवाइड हो जाएगा, सबकी इलेक्ट्रिसिटी डिवाइड हो जाएगी, सबकी एसी डिवाइड हो जाएगी, तो मेरे बाटे पर और मेरे हिस्से पर मेरे हिस्सेदारी में सिर्फ 40,000 रुपए साल के आएंगे। अरे बोल दो ना भाई, यहां पे क्या मुझे कुछ खरीदना पड़ रहा है क्या? डू आई नीड टू परचेस एनीथिंग? पर हियर आई हैव टू परचेस एवरीथिंग। एसी मुझे खरीदना है, इंजीनियर मुझे लगाना है। यहां पे इंजीनियर लगाने की जरूरत नहीं, यहां पे सिक्योरिटी भी मुझे ही करना थी, यहां पे सिक्योरिटी मुझे नहीं करना है। बताओ क्यों यहां पे सिक्योरिटी नहीं करना है? मैं क्यों नहीं करूंगा सिक्योरिटी यहां पे? मैं, अरे सब कुछ मैंने रेंट किस बात के? अमेज़न ये सुन ले, पैसे किस बात के ले रहा है? 40,000 ले रहा है। अगर मेरे डेटा के साथ में कुछ हो ना, मां कसम ठोक दूंगा। एग्रीमेंट बनाता हूं, नाम है SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनता है मेरा, जिसमें अमेज़न लिख देता है कि मैं अमेज़न टेकिंग द सिक्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेटा, डेटाज इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इन केस समथिंग गोज रॉन्ग, अमेज़न इटसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉम्पेंसेशन। ऐसा एक SLA बनता है। कहां पे मेरी रिस्क कम हो गई? अरे बोलो भाई, प्राइवेट सस्ता या पब्लिक सस्ता होगा? कहां पे सारी चीजें परचेस करना होगी? आई हैव टू परचेस एवरीथिंग ऑन माई ओन। कहां पे परचेस ही नहीं करना? कहां पे एडमिनिस्ट्रेशन इज डन बाय थर्ड पार्टी? अरे बोलो भाई, कहां पे सारा एडमिशन मैं खुद करूंगा? एक बात पूछूं, कहां पे मुझे सब कुछ रेंट पे मिलेगा? कहां पे मुझे खरीदना पड़ेगा? एक बात का जवाब दोगे मुझे? पक्का जवाब देंगे? प्राइवेट और पब्लिक में कहां पे आप एग्रीमेंट बना सकते हो? क्यों प्राइवेट में क्यों नहीं? मैंने स्वप्निल पाटनी के यहाँ पे क्लासेस में अपने खुद के कंप्यूटर्स लगाया, खुद का इंजीनियर लगाया, और मैं मेरे खुद के साथ एग्रीमेंट बना रहा हूँ। इन केस अगर मेरे डेटा के साथ में कुछ होना, स्वप्निल पाटनी ठोक दूंगा, और मैं मेरा एग्रीमेंट खुद के साथ ही बना रहा हूँ। हाउ कैन आई मेक एन एग्रीमेंट विद माई सेल्फ, राइट? आई कैन एंटर इन एन एग्रीमेंट विद समबडी हु इज अ थर्ड पार्टी। तो टेल मी वेयर इज आई एम, वेयर आई एम हैविंग SLA, कहाँ पे एग्रीमेंट बन सकता है? कौन सा लेस कॉस्टली? कहाँ पे मुझे इंजीनियर्स खुद ही करना पड़ेंगे, सिक्योरिटी खुद ही लगाना पड़ेगा, सारा टेंशन, सारी चिंता, सारा सब कुछ मेरे माथे पे, एडमिनिस्ट्रेशन बाय थर्ड पार्टी, पब्लिक। आपको क्लियरिटी है? यही वो जो 3 पेज में लेट लेट के पढ़ाया ना आपको, यही पढ़ा रहा है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, कॉन्सेंट्रेट। जब मैं प्राइवेट पढ़ूंगा ना, तो आपको थोड़ा सा एक पॉइंट में प्रॉब्लम आएगा, मैं अभी से वो कहेंगा प्राइवेट इज लेसर कॉस्टली, ब्रैकेट में कंपेयर टू ट्रेडिशनल, पब्लिक इज लेसर कॉस्टली ब्रैकेट में प्राइवेट। क्या आपको ये लाइन समझती है? प्राइवेट क्लाउड इज अ लेसर कॉस्टली देन ट्रेडिशनल एंड पब्लिक क्लाउड इज अ लेसर कॉस्टली देन प्राइवेट। ये बात क्लियर है क्या? अरे बच्चों बताओ मुझे, प्राइवेट की कॉस्ट है, प्राइवेट की कॉस्ट ट्रेडिशनल से कम क्यों है? बिकॉज ट्रेडिशनल, अरे बोलो ना, ट्रेडिशनल में क्या था? 160 सॉफ्टवेयर मुझे बाय करना थे, बिकॉज आपस में संपर्क नहीं था, हर जगह पे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, हर जगह पे कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी, हर जगह पे। और सोचो वो तो मेरी ब्रांचेस सिर्फ 160 है, अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हजारों में होगी, इट विल बी सो डिफिकल्ट फॉर हिम टू क्रिएट नॉन ट्रेडिशनल, आई मीन ट्रेडिशनल। पर प्राइवेट में क्या हो रहा है बताओ? सर प्राइवेट में कुछ नहीं हो रहा, प्राइवेट में तो आपने क्या करा, प्राइवेट इज ऑल्सो क्लाउड, याद रखना प्राइवेट भी क्लाउड ही है। क्लाउड का नियम क्या है? डेटा विल बी एक्सेस फ्रॉम, फिर इन्होंने जब ये अब मेरा कौन सा चल रहा है, ये प्राइवेट क्लाउड में नाम दे रहा हूँ यहाँ पे। बताओ प्राइवेट क्लाउड में हुआ क्या? मेरे कोई भी जयपुर में, चाहे इंदौर में, चाहे दिल्ली में, बोलो जल्दी से, इंदौर में, चाहे औरंगाबाद में, चाहे हैदराबाद में, कहीं पे भी लोग एडमिशन ले, डेटा कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। तो बताओ हर जगह पे सॉफ्टवेयर की जरूरत है क्या? नहीं, सॉफ्टवेयर का होगा एक ही जगह पे होगा। समझ में आ रहा है कौन सा कम खर्चे वाला हुआ? प्राइवेट नहीं, प्राइवेट और ट्रेडिशनल की कंपैरिजन में, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक ही, और ट्रेडिशनल में क्योंकि आपस में उनका संपर्क, ये जो मैंने ड्रॉ किया था ना, ये संपर्क ही नहीं आपस में, ये सबका डेटा उनके उनके पास है। और मुझे एक बात का सवाल का जवाब देंगे, कौन सा एक मैनेजर के लिए बड़ा मुश्किल है डेटा को प्राप्त करना? क्यों ट्रेडिशनल में मुश्किल था? बिकॉज सबने अपना डेटा अपने अपने पास रखा था, पर प्राइवेट में
सबने जब भी एडमिशन किए तो सबका डेटा यहाँ पे स्टोर हुआ, इसीलिए मुझे किसी से डेटा पूछने की जरूरत नहीं होगी, रियल टाइम डेटा मुझे यहाँ पे मिलेगा। कहाँ पे? प्राइवेट में कि ट्रेडिशनल में? कहाँ पे नहीं मिलेगा? फिर जब मैं प्राइवेट करने लगा, किसी ने आके कहा, बोले तू प्राइवेट इतने भी खर्चे क्यों कर रहा है? मैंने कहा प्राइवेट बहुत सस्ता है ट्रेडिशनल से। बोले मानता हूं, पर इससे भी और एक सस्ती चीज है। बोले पब्लिक कैसे सस्ती? अरे बोले ये सब कुछ कर, इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी कुछ मत कर, पीछे पैसा देना 40,000 रुपए सारा काम, 15 लाख रुपए की जरूरत नहीं, क्या करेंगे अभी? ये जी यही तो कर रहा हूं, इसलिए आज मैं पब्लिक क्लाउड पे शिफ्ट हुआ। मेरी ऑफिस में कोई टेंशन नहीं, ना रेंट का टेंशन, मेरे ऑफिस में जगह भी ऑक्यूपाइड नहीं है, ना मुझे सिक्योरिटी का टेंशन है, ना मुझे फायरवॉल लगाने का टेंशन है, ना मैं एंटीवायरस लगाता हूँ, ना मैं बैकअप लेता हूँ, ना मुझे डेटा की कोई रखने की टेंशन, ना हार्ड डिस्क के स्पेस की टेंशन। सारे टेंशन से मुक्ति हो गई। क्या लिया मैंने? और उत्ते में पैसे भी कम। सर आपने ये ट्रेडिशनल क्यों पढ़ाया पहले वाला, पूछो मुझसे। वो मॉड्यूल में लिखता है प्राइवेट लेस कॉस्टली, बच्चों को सच समझता है। फिर जब वो मॉड्यूल लिखता है प्राइवेट लेस कॉस्टली, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मॉड्यूल में मिसप्रिंट तो नहीं? नहीं बेटा, प्राइवेट लेस कॉस्टली है एज कंपेयर टू, और वो पब्लिक को भी बोलता है लेस कॉस्टली है कंपेयर टू। समझा क्या है गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? एवरीबॉडी गॉट इट? ओके दोस्तों, अब ये 3 पेजेस को समाप्ति करने का वक्त आ चुका है। एक बार फिर से बताना जो मेरे लाइंस है, ईच एंड एवरी, अभी मैं ट्रेडिशनल की बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज हमारे डिफरेंस में ट्रेडिशनल नहीं है। सर फिर आपने ट्रेडिशनल क्यों पढ़ा है? बिकॉज समझने के लिए क्लैरिटी मिलेगी। हमारे एग्जामिनेशन में ट्रेडिशनल के ऊपर सवाल नहीं आएंगे। सवाल किसके ऊपर आएंगे? प्राइवेट पब्लिक के ऊपर मेनली सवाल आएंगे। अब जवाब देंगे प्राइवेट का नाम क्या है? जो प्राइवेट होता है वो प्राइवेट है, जो पब्लिक नहीं होता वो प्राइवेट है, और जो पब्लिक होता है वो, ऐसे डिफरेंस देखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे क्या आपको? एनी इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज एक्सक्लूसिवली डेवलप्ड फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड एज व्हाट? और एनी क्लाउड विच इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, जहां पे मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अंदर सारे पैसे लगा के खुद बनाया, तो क्या बोलेंगे आप? सारे पैसे मैंने खुद ने लगाया, खुद ने, अरे बोलो ना, कहां पे आई डोंट हैव टू परचेस, कहां पे आई हैव टू परचेस? एक बात का जवाब देना, और आप सभी का 99% जवाब गलत आएगा, ये इसकी पूरी मुझे आशंका है। बताएंगे कौन सा सिक्योर ज्यादा है? आप लोग बोलते ही नहीं, मेरी अमानत है, सुनिए जरा, मेरा डेटा है, भारत में कैसे भी हो और वो प्रेस्टिज पॉइंट में मेरे आंखों के सामने है, मेरी अमानत मेरी नजरों के सामने है प्राइवेट में, पर पब्लिक में मुझे ही पता नहीं दुनिया के किस कोपछे में चले गए हैं। वो आती है और जाती, पर कहां से आती है कहां जाती है पता नहीं लगता, वो पब्लिक होती है। शराब पब्लिक में मुझे पता ही नहीं चलता, व्हेन आई अपलोड माय डेटा आई डोंट इवन नो वेयर इट इज गोइंग, वो युगांडा में है, इंग्लैंड में है, वो यूएसए में है, या जापान के किस कोपचे में, मुझे ही पता नहीं। मैं सिर्फ डेटा को अपलोड करता हूँ, जब मुझे चाहिए वो मिल जाता है, पर मुझे पता नहीं कल मेरे डेटा के साथ में किसने कितने बजे क्या किया। पर अगर डेटा प्राइवेट में होता ना, मेरी नजरों के सामने होता ना, उस डेटा के साथ में क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, मैं हमेशा वहां पे उसकी नजरों के सामने रहता हूं। तो बताएं दोस्तों, प्राइवेट और पब्लिक में कौन सा सिक्योर ज्यादा और कौन सा लेस सिक्योर होगा? सर फिर लेस सिक्योर होके भी आपने पब्लिक में क्यों डेटा रखा? कि आपका डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है? आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते? और बड़ी बड़ी, आपका तो छोड़ो, आप तो एक छोटे आदमी हो, जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने भी अपना डेटा इतने लापरवाह अपना डेटा पब्लिक में, या तक कि मैंने बैंक को भी पब्लिक में डेटा रखते देखा है, कैसे? चिल्लाना बंद करो, छिचोरो सोचो, बताएंगे कैसे। हाँ बेटा खड़े हो जाइए, आज कैप नहीं पहना? अच्छा बोल,
पब्लिक में जो डेटा रहता है उसका वो बैकअप स्वयं लेकर रखते हैं, है ना? अगर और वहां पे डेटा के साथ में, हद को हमने ये जरूर कहा है कि प्राइवेट इज मोर सिक्योर्ड, पर हमने ये कभी दावा नहीं किया कि पब्लिक की सिक्योरिटी कम होती। हाँ, कंपैरिजन करेंगे तो प्राइवेट इज मोर सिक्योर बिकॉज प्राइवेट मेरे आंखों के सामने है, पर इसके लिए पब्लिक को यह कह देना कि पब्लिक में लेस सिक्योरिटी है, यह कहना उचित नहीं है। अगर पब्लिक, हाँ कंपैरिजन होगा तो प्राइवेट की सिक्योरिटी ज्यादा होगी पब्लिक के कंपैरिजन में, पर यह कह देना कि पब्लिक में सिक्योरिटी ही नहीं है ये गलत है। ऐसे कैसे होगा? पब्लिक में अगर लेस सिक्योरिटी होती तो हम लोग क्यों वहां डेटा रखते हैं? अरे मैंने आपको कल गोडैडी दिखाया भाई, मैं आपको गोडैडी का सिस्टम दिखाता हूं, इतनी सिक्योरिटी बरतते हैं, इतनी ज्यादा बायोमेट्रिक डिवाइसेस वहां पे, आग पानी धूल मिट्टी बिजली भूकंप सुनामी चाहे जितने भी थ्रेट हो जाए सबके लिए वहां पे पूरी तरह से डेवलपमेंट होती है सिक्योरिटी के मामले में। एक जरा सा भी कोई भी इंसान वहां पे अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर सकता, कोई भी इंसान नहीं जा सकता अंदर। सो फिर आपने पब्लिक को क्यों लेस सिक्योर कहा? अरे भाई कंपैरिजन में हम बोल रहे कि सिक्योरिटी नहीं है, पर इफ यू कंपेयर विद प्राइवेट यू विल फाइंड पब्लिक इज, क्योंकि प्राइवेट में क्या होता है सिक्योरिटी का थ्रेट ही नहीं है क्योंकि वो चीज मेरे आंखों के देखो। पब्लिक में भी, पब्लिक में सिक्योरिटी होती है पर चांसेस वहां पे ऐसे कभी कभार हो सकते कि हमारे डेटा के साथ में कुछ गलत, पर नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अब इधर आओ, मैं आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूं, विल यू प्लीज, आपको मैं पब्लिक क्लाउड की सिक्योरिटी दिखाता। अगर आपने क्या नाम है उसका, ठाकरे सरकार, गूगल डेटा सेंटर सिक्योरिटी, सर ये क्या बता रहे हो आप देखना मजा। Google builds and maintains one of the world's foremost networks of data centers. Their design and engineering approaches have created a large and highly scalable data center network. Over the next few minutes, we're going to get an exclusive inside look at how Google works to secure and protect the data that is stored in their data centers. The security and protections that are shown in this video are in place at the time this video was made. Google is always innovating new ways to secure and protect its customers' data. यही वो जगह है जहाँ पे Google अपने Google के पास भी public cloud है। और मैं गूगल के पब्लिक क्लाउड का डेटा आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी सिक्योरिटी रखते हैं, क्योंकि जब मैंने प्राइवेट को सिक्योर कहा और पब्लिक को लेस सिक्योर कहा, कहीं आपके दिमाग में गलत फहमी ना रह जाए किस बात की कि पब्लिक में वाकई सिक्योरिटी नहीं होती। ऐसा नहीं है, बहुत होती है। देखिए मैं पब्लिक क्लाउड दिखा रहा हूँ, सिक्योरिटी देखिए, देखो इनसाइड ऑफ अ गूगल डेटा सेंटर देयर आर थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स, क्या बोला, थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड मशीन इसके अंदर है। आइए देखते हैं अंदर जाके, मशीन्स कैरिंग आउट द बिजनेस ऑफ गूगल सम बिल्ट बाय गूगल टू देयर ओन वल्नरेबिलिटीज। And it also reduces the need for Google Apps customers to gain access to the. सबसे पहली सिक्योरिटी आपको दिख रही होगी। E access is restricted. कौन है ये? अंकल बाउंसर है ये, अंदर नहीं जाने देंगे आपको। Cars and trucks cannot gain access to the facility grounds until they have been verified and allowed to enter the facility. All vehicle access to the data center is controlled by a restricted barrier. Security fencing around the perimeter helps ensure that all. दिख रहा है पहले? पहले अपने सिक्योरिटी गार्ड देखा, फिर वो एंट्री करा रहा है, वहाँ पे आपको फेंसिंग दिख रहा है। और कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो रही है कि क्लाउड एक कंप्यूटर है, तो ऐसा नहीं, क्लाउड एक बहुत बड़ा एरिया होता है, प्रीमाइसेस होता है, और वहाँ पे हजारों मशीन अंदर होती है ना? तो देखिए, ऑथराइज्ड एक्सेस अकर्स थ्रू दिस चेक पॉइंट, सिक्योरिटी पर्सनल आर ऑन ड्यूटी 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक एंड कैन मॉनिटर व्हीकल एक्सेस थ्रू दिस गार्ड स्टेशन। गूगल डेटा सेंटर्स आर वॉच्ड बाय अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ वीडियो मॉनिटरिंग कैमरास एंड वी कैन सी सेवरल ऑफ देम एज़ वी ड्राइव इनटू द फैसिलिटी। Once granted access to the facility, CCTV, ये जो कर रहा है वो escort है. Authorized personnel must check in at a reception area, such as the one shown here. Access throughout the facility is controlled by badges that use a special lenticular printing mechanism that makes it especially difficult to copy or forge. Access logs are automatically scanned to make sure that anyone who entered an area also left it. Some of Google's data centers passwords, then biometric devices. Utilize biometric devices, such as iris cameras, to verify identity. And security personnel also check a roster of authorized people permitted access. Although we are inside the facility, we're still not yet on the data center floor. This part of the facility is basically a traditional Google office. The business required to run the data center is mostly conducted here. Access to another step in the process is the drive shredder, shown here. The center of the drive and the platters are deformed.
सर हार्ड डिस्क को ब्रेक क्यों कर रहे हैं? जब हार्ड डिस्क खराब हो जाती है ना यूजलेस, तो उसको ऐसा फेंक देंगे तो कोई ना कोई तो मिसयूज कर लेगा, इससे उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, मेकिंग देम अनरीडेबल. Another step in the process is the drive shredder, shown here. As you can see, no one will be likely to get any of Google's customers' data from these center that is. हम लोग हमेशा बात करते हैं वहाँ पे बड़े बड़े सर्वर होते हैं, बड़े बड़े. ये देखा क्या बड़ा बड़ा सर्वर दिख रहा है आपको एकदम, बहुत बड़ी मशीन दिख रही है अंदर. Big machines are there kept inside. ये दिखाते हैं मशीन्स में डेटा इज केप्ट इनसाइड. ओके, उसके बाद में देखिए. Stored on these tapes, shown here. This provides a level of redundancy to help. Lot of redundancy is there. What is the meaning of lot of redundancy? एक ही डेटा redundant का मतलब होता है duplicate करना. तो एक ही डेटा काफी बार स्टोर होता है ताकि एक खराब हो जाए तो बहुत सारा डेटा और मिले आपको. Help safeguard its customers' data. Google data centers are protected by robust fire detection and. किसी को समझ में इंग्लिश क्या बोलो? Robust system में fire protection क्या जगह? आग लगेगी तो पूरी तरह से व्यवस्था है ताकि आग लगे ही ना. इतनी सुरक्षा की जाती है इसलिए कहते हैं कि पब्लिक भी सिक्योरिटी है. पर कंपेयर टू पब्लिक कौन सा ज्यादा सिक्योर है बच्चों? वेरी गुड. आपको सभी समझ में आ रहा होगा अब तक? वेरी नाइस. तो एक बात बताएंगे दोस्तों, एक सवाल, मेरा प्रश्न आपसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कौन सा स्केलेबल ज्यादा है, प्राइवेट या पब्लिक? स्केलेबल मतलब बढ़ाना और कम करना. तो कहते हैं पब्लिक इज मोर स्केलेबल. आपको जवाब देना है क्यों? सर सिंपल सी बात है, अगर मैं किराए पर ले रहा हूं, मेरी 40 GB जगह खत्म हो गई, तो मैं पैसे दूंगा और तुरंत ही मुझे 40 GB और मिलेंगी. खत्म हुआ, मैंने पैसे दिया, एक मिनट में चालू. पर अगर मेरा प्राइवेट होगा और मुझे एडिशनल स्पेस चाहिए, आई विल गो टू द मार्केट, आई विल कंपेयर लॉट ऑफ रेट्स, आई विल इवैल्यूएट देम, आई विल परचेस, आई विल आस्क माय इंजीनियर टू इंस्टॉल इट, इट विल बी वेरी टाइम टेकिंग. स्केलेबिलिटी कहां पे ज्यादा होगी? क्या आप कितना भी बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो? प्राइवेट में बढ़ा तो सकते, कम नहीं कर सकते, बेचेंगे थोड़ी ना. यहाँ पे तो नहीं लगता तो बंद ही कर सकते हैं. तो विच वन इज मोर स्केलेबल बेबी? वेरी गुड. बताएंगे दोस्तों कॉस्ट में, प्राइवेट में हाई कॉस्ट दिखा है, पब्लिक में लो कॉस्ट. क्या ये बात आपको मंजूर है? कैन यू प्लीज टेल मी प्राइवेट में हाई कॉस्ट ज्यादा क्यों? क्योंकि सारी चीजें हमें अपनी खुद की लाना पड़ती है ना. हमें अपना इंजीनियर खुद का रखना पड़ता है. उसकी सैलरी 50,000 रुपए महीने की होगी, उसको साल भर में 50 लाख देंगे, यहाँ पे पूरे साल के 50,000 देना है. बोलो कहां पे अपना खुद का रेंट रहेगा? नहीं, कहां पे हमारी चीजें खुद की होगी? डिवाइसेस खुद के होंगे, इंजीनियर खुद का होगा, और केवल रेंट देना होगा. तो कौन सा लेस कॉस्टली हो गया? अगला प्रश्न, अवेलेबिलिटी. आप मुझे बताओ, आपको अभी चाहिए? अभी चाहिए? अभी रात को 2 बजे चाहिए? मिला कहां पे? प्राइवेट में क्यों नहीं? सारा जुगाड़ खुद को करना है. नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी. मोर और लेस? विच इज मोर सिक्योर? क्योंकि मेरी अमानत मेरे आंखों के सामने. पब्लिक इज सिक्योर है, लेस सिक्योर कंपेयर टू प्राइवेट. बराबर है बच्चों? एडमिनिस्ट्रेटेड बाय. मैं एक लाइन पूछूंगा, बताएंगे कौन जवाब देगा इसका. ये जो लाइन है ना, इनसे मुझे सवाल पूछना है. ये 2 लाइन है. यहाँ पे मुझे लगता है बहुत टैलेंटेड लोग रहते हैं इस क्लास के, जो कभी जवाब ही नहीं देते, बिकॉज सब जवाब उनको पता होते हैं. अगर मैं लाइन बोलूं, इट इज मैनेज्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय थर्ड पार्टी, तो ये प्राइवेट के लिए ठीक लगता है क्या पब्लिक के लिए? श्योर? सही बोल रहे हैं? कहां पे इट इज मैनेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑन इट्स ओन? हम खुद अपने सिस्टम को मैनेज करेंगे. बराबर है? अगला पॉइंट, कहां पे आपके स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट बन सकते हैं? पब्लिक में. और प्राइवेट में क्यों नहीं? मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट में मेरे साथ ही बना रहा हूं, अगर मेरे डेटा को कुछ होना, मैं अपनी खुद की बजा दूंगा. ऐसा थोड़ी ना डेटा को. यू कैन नॉट, एग्रीमेंट में 2 पार्टीज होती है. कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ाई है. एक सवाल मेरा इसमें, एक लाइन बाकी है जो मैं पूछना चाहूंगा, कहां पे हमारा कंट्रोल ज्यादा होगा? क्यों पब्लिक में कंट्रोल नहीं हो? सर पब्लिक में डेटा कहां जाएगा हमें खुद को ही नहीं पता. मेरे को आज तक मेरे को पता नहीं कि स्वप्निल पाटनी क्लासेस का डेटा दुनिया के कौन से कोपचे में, कौन से धरती में, कौन से कॉर्नर में पड़ा हो, मुझे खुद को पता नहीं. मुझे सिर्फ इतना पता है जाता है आता है. तो क्या मेरा उसके ऊपर कंट्रोल है क्या? पर किसके ऊपर कंट्रोल ज्यादा होगा?
प्राइवेट तो मेरी आंखों के सामने, मैं उसके सामने कुछ भी कर सकता हूँ. सो टेल मी वेयर यू हैव हैविंग मोर कंट्रोल. कहाँ पे यू आर हैविंग मोर कंट्रोल, लेस कंट्रोल? कॉन्सेप्ट ओवर. सर आपने प्राइवेट पब्लिक पढ़ा है, बहुत मजा आया. तो ये हाइब्रिड क्या होता है? कुछ कुछ प्राइवेट, कुछ कुछ पब्लिक, दोनों का नाम हो गया. सर ऐसा कुछ 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 क्यों करते लोग? एक तो प्राइवेट कर लो, पब्लिक कुछ कुछ क्यों करते हैं? मजा आती है. माइक दे दे जरा, मुझे कुछ लोगों से सवाल पूछना. इसका बहुत मजे आ रही है इसका. नहीं क्या? आप तो जवाब देना पड़ेगा. खड़े हो जाओ बेटा. मैं जब कुछ कुछ बोल रहा था, मैं आपके एक्सप्रेशन देख रहा था. क्या नाम है जी आपका? अनिकेत. दूर 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 माइक. अनिकेत. अनिकेत. हाय अनिकेत, हाउ आर यू? फाइन. बोला कैसे आप? एकदम ठीक है. ये हाइब्रिड में कुछ 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 मैंने बोला, उसका मतलब क्या है? शर्मा मत, आप बोल. छिचो रहे तब तो बड़ी आवाज कर रहा था. स्ट्रिंजेंट रहता है थोड़ा. अच्छा, हाइब्रिड में कुछ कुछ प्राइवेट है, कुछ 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 पब्लिक. उसको बाकी कॉन्सेप्ट में मजा नहीं, उसको कुछ कुछ में मजा आ रहा है. बैठ. प्राइवेट और पब्लिक में जो चीजें होती ना, पहले तो हम लोग खुशी खुशी से प्राइवेट कर लेते हैं. मुझे एक बताओ, डिड आई से एनीथिंग रॉन्ग? क्या मेरे शब्दों में कुछ गलत बात थी? कभी कभी में मजे, पहले हम लोग शौक शौक से प्राइवेट करते हैं. मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा. यानी कि पहले हम लोग क्या चाहते हैं कि प्राइवेट हो जाए, सारी चीजें ज्यादा सिक्योर रहे, मेरा डेटा मेरे सामने रहे. मेरा डेटा मेरे सामने. प्राइवेट में क्या होता है ना, हम लोग सारी चीजें पहले सोचते कि प्राइवेट ही हो जाती है तो अच्छा हो जाएगा, बिकॉज आई विल हैव मोर कंट्रोल, मोर सिक्योरिटी ऑन डेटा. बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स वेरी कॉस्टली. तो व्हाट आई डू इज, आई फाइंड इट वेरी कॉस्टली, देन आई शिफ्ट सम डेटा ऑन पब्लिक बिकॉज इट इज लेसर कॉस्टली. तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, सम डेटा विच इज नॉट हाईली सिक्योर्ड, आई प्रेफर टू कीप ऑन द पब्लिक क्लाउड. तो ऑन द डेटा विच इज हाईली सिक्योर्ड, आई ट्राई टू कीप इट ऑन प्राइवेट. So some data which is highly secured, it is kept on private. Some data is not that secured, okay? I keep it on what, the public. So it means right now I'm not using private or public, I'm using both of them together. It is called as hybrid. Bhai, hybrid insan directly nahi jata. Wo pehle private se hi shuruaat hoti hai. Usko lagta hai sab main khud kar jaunga, par bahut kharcha lag jab lagne lagta hai, to fir wo apni aukaat pe aata hai. फिर वो अब क्या करता है, थोड़ा डेटा प्राइवेट में रखता है, जो बहुत ही उसको लगता है कि नहीं मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, या मुझे कभी उसके अपने कुछ गलत हुआ तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो सारा डेटा वो प्राइवेट में ही रखता है. और जो डेटा उसको लगता है कि इतना ज्यादा वल्नरेबल नहीं है, जितना ज्यादा सिक्योर होना जरूरी नहीं है, ही ट्राई टू कीप इट ऑन पब्लिक. तो ही इज यूजिंग व्हाट, ही इज यूजिंग व्हाट. अब यही सारे पॉइंट को लेकर, अब अच्छा एक बात लाइन सुन लेना, ये जो इमेज चल रही ना आपके स्क्रीन पे, इससे 3:30 पे जब खत्म हो गया, आप कुछ भी पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा. उससे सिर्फ ध्यान से बताना, स्केलेबिलिटी की बात करेंगे और हाइब्रिड अगर सवाल पूछा है तो हाइब्रिड में तो कुछ डेटा प्राइवेट में रखा है और कुछ डेटा पब्लिक में है. अब इसको मैं लेस स्केलेबल कहूं, क्या मोर स्केलेबल कहूं या मॉडरेट कहूं? कैसा मॉडरेट? जो प्राइवेट वाला एरिया होगा हाइब्रिड में इतना स्केलेबल नहीं होगा, पर हाइब्रिड के अंदर जो पब्लिक वाला एरिया होगा वो मोर स्केलेबल, इसका मतलब वो मॉडरेट हो गया. ठीक है, वहां पे क्या लिखा है? ओनली पब्लिक पार्टीज. अरे बराबर है ना. और हाइब्रिड के अंदर जो प्राइवेट एरिया होगा वो स्केलेबल नहीं. वेरी गुड. कॉस्ट की बात करेंगे. सर इसकी कॉस्ट ज्यादा के कम? चलो इसकी कॉस्ट पब्लिक से कुछ भी बोल रहे हैं, बोलो. पब्लिक से इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी बिकॉज पब्लिक में सब भाड़े पर है, पर इसमें तो कुछ कुछ अपना खुद का भी तो होता है ना, इसलिए इसकी कॉस्ट पब्लिक से ज्यादा, पर प्राइवेट से इसकी कॉस्ट थोड़ी कम होगी बिकॉज में थोड़ा पब्लिक का भी तो एरिया है ना, जो इसका खर्चा कम होता है. यानी क्या हो जाएगा? मॉडरेट. एक बार वापस से पूछूं, इसकी कॉस्ट पब्लिक से, हाइब्रिड की कॉस्ट पब्लिक से ज्यादा होगी क्योंकि इसमें कुछ कुछ एरिया प्राइवेट का जिसकी कॉस्ट ज्यादा होती है.
ओके अवेलेबिलिटी, बताओ कौन सा जल्दी से लगेज अवेलेबल हो जाता है और प्राइवेट वाले में थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा? आप बताएंगे हाइब्रिड पब्लिक के कंपैरिजन में अवेलेबल जल्दी होगा कि लेट होगा? थोड़ा लेट होगा, क्योंकि पब्लिक में तो लगेज पैसा दे दो। यहां पे कैसा कुछ एरिया जो प्राइवेट वाला है वो लगेज अवेलेबल, इसीलिए इसको भी हम लोग मॉडरेट कहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अरे प्राइवेट पब्लिक समझाना, ये हाइब्रिड फोकट में मिलता है, इसमें कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, वो वैसे भी समझ में आता है। ओके कैन यू प्लीज टेल मी सिक्योरिटी वाइज हाइब्रिड क्राउड इज अ डैश डैश सिक्योर देन प्राइवेट? लेस सिक्योर, क्योंकि इसमें पब्लिक वाला एरिया है वो इतना सिक्योर नहीं माना जाए। हाइब्रिड का कंपैरिजन प्राइवेट पब्लिक से अगर करूं, पब्लिक से तो मोर सिक्योर, बिकॉज पब्लिक में तो सब पब्लिक ही है, इसमें कुछ एरिया तो प्राइवेट का, विच इज मोर सिक्योर, तो पार्शियली सिक्योर लिखा है। प्राइवेट में हम मैनेज करते, पब्लिक में कोई और मैनेज करता है, हाइब्रिड में कौन मैनेज? हाइब्रिड का प्राइवेट हम मैनेज करेंगे और हाइब्रिड के अंदर का पब्लिक। समझ गए आप लोग? बोथ बराबर है? बोथ क्यों लिखा हुआ? हाइब्रिड के अंदर का जो प्राइवेट है वो हम मैनेज करेंगे और हाइब्रिड के अंदर का जो पब्लिक है वो कोई नहीं है। ऐसे ले एग्रीमेंट सर, हाइब्रिड के अंदर का जो प्राइवेट होगा ना उसके ऊपर एग्रीमेंट नहीं बना सकते, पर हाइब्रिड के अंदर का जो पब्लिक होता है ना उसको एग्रीमेंट बनाएंगे। स्ट्रिंजेंट का मतलब समझता है? कठोर, स्ट्रिक्ट। कहां पे स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट बना सकते हैं, कहां पे नहीं बना सकते हैं? तो बताएंगे एक प्राइवेट के कंपैरिजन में हाइब्रिड का एसएलए ज्यादा होगा, आई मीन एग्रीमेंट बना सकते हैं, पर पब्लिक के कंपैरिजन में हाइब्रिड के अंदर उतना कठोर एग्रीमेंट नहीं बना सकते, बिकॉज प्राइवेट में तो एग्रीमेंट बनता ही नहीं है। कुछ लोगों ने पूछा सर स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या है? स्ट्रिंजेंट यानी कि कठोर, बहुत स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट कानून। समझे क्या? Hey guys, did you understand this? समझे क्या हम क्या कह रहे थे? वेरी गुड। एक बात पूछू, कंट्रोल के बारे में बताओगे? कंपैरिजन करो कंट्रोल के ऊपर। प्राइवेट से हाइब्रिड में कंट्रोल कम होता है, पब्लिक से हाइब्रिड में कंट्रोल। आपने हाइब्रिड के लिए सिर्फ दिमाग लगाया, कष्ट नहीं किया, आपने सिर्फ वो लॉजिक लगा के अपने आंसर दिए, आपने एक्चुअल में हाइब्रिड का सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया, अब अंदर के सारे पॉइंट्स आपको आ गए हैं। समझ आया? बोलते भी नहीं। आपको मालूम है एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछने वाले? आपको पूछो, अभी आपको स्क्रीन पे कितने कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं? अभी एक चौथा भी है जिसका नाम है कम्युनिटी, आपके सामने स्क्रीन पर, आपके सामने स्क्रीन पर आपको कम्युनिटी भी दिखा रहा हूं मैं। क्या दिखा रहा हूं? कम्युनिटी। स्क्रीन पे देखो और स्क्रीन को समझने की कोशिश करो, स्क्रीन को समझने की कोशिश करो क्या है। स्क्रीन पे देखिए, क्या लगता है? ये प्राइवेट भी नहीं है, ये पब्लिक भी नहीं है, ये हाइब्रिड भी नहीं है। मालूम है जब मैं प्राइवेट करने गया था तो क्या हुआ था? बहुत खर्चा लग रहा था। शटावे तुम लोग क्या कर रहे हैं? प्राइवेट जब मैं सोचा कि मैं प्राइवेट क्लाउड बना लूं, आई फाउंड इट वेरी कॉस्टली। फिर किसी ने कहा पब्लिक बना लो, फिर मैंने कहा पब्लिक तो बहुत खर्चा कम है पर इसमें मेरी सिक्योरिटी के धज्जियां उड़ जाती है, मुझे पब्लिक नहीं करना है। मुझे क्या चाहिए? आई एम सॉरी, मुझे क्या चाहिए? मुझे प्राइवेट ही चाहिए, मुझे क्या चाहिए? प्राइवेट ही चाहिए। तो यू नो व्हाट हैपेंड? अभी किसी ने कहा कि तुम प्राइवेट कर लो तो आपको क्या मिलेगी? सिक्योरिटी बहुत मिलेगी पर उसमें खर्चा बहुत होएगा। फिर किसी ने कहा पब्लिक कर लो, फिर पब्लिक में खर्चा तो कम होगा पर सिक्योरिटी की वाट लग जाएगी। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि जिसमें सिक्योरिटी भी ज्यादा हो, मजा भी बहुत ज्यादा आए और खर्चा भी कम हो जाए। और आ गया कम्युनिटी आपके सामने। सर मतलब कम्युनिटी में खर्चा भी नहीं है? नहीं, और मजा ऐसा है, सिक्योरिटी ऐसी है, शटअप, सिक्योरिटी ऐसी है जैसी प्राइवेट जैसी, सिक्योरिटी ऐसी है जैसे प्राइवेट जैसी,
और खर्चा ऐसा है जैसा पब्लिक जैसा, यानी कि ये जुगाड़ है। सही, ऐसे कैसे जुगाड़ है, क्या होता है क्या इसमें, ऐसे कैसे दोनों भी, इसमें होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। आप जब कभी लंच के डिनर के लिए साथ में आते हैं दोस्तों, तो कहते हैं कॉन्ट्री करते हो, कॉन्ट्री इसमें भी बनाएंगे कॉन्ट्रीब्यूशन। सर कैसे मतलब कॉन्ट्री, मतलब क्या करेंगे, क्या करते हैं, जो एक जैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहले सबने क्या किया, भारत के अलग अलग विविध डिपार्टमेंट है, जीएसटी के, आरओसी के, सेबी के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सभी ने क्या किया, दे वांटेड टू मेक देयर सेपरेट क्लाउड। फिर सबको लगा सब अपना अपना क्लाउड बना देंगे तो कितना खर्चा हो जाएगा, और एट द सेम टाइम फिर हमने कहा एक काम करो तुम गो डैडी पे रख दो। बोले गो डैडी पे तो गवर्नमेंट का डेटा रख ही नहीं सकते, बिकॉज वहां पे तो इतनी सिक्योरिटी नहीं होगी, और कुछ वहां पे डेटा को हो गया, आधार के डेटा को कुछ हो गया तो, हाँ डिफेंस के डेटा को कुछ हो गया तो, जीएसटी के डेटा को कुछ, तो इसलिए पब्लिक में तो गवर्नमेंट के लोग रख ही नहीं सकते। फिर रही बात प्राइवेट की, प्राइवेट तो बहुत खर्चे में, फिर मैंने कहा एक काम करो, कम ऑन बेबी रिलैक्स, भारत सरकार को और मोदी जी को मैंने आइडिया दी। भाई और बहनों, मोदी जी ने हमसे बात की, मोदी जी ने हमसे पूछा, पाटनी जी मतलब मैं, क्या आपके पास ऐसा कोई जुगाड़ है हम अपनी कॉस्ट भी बचा लें और सिक्योरिटी ऐसी हो जैसे प्राइवेट जैसी। मैंने कहा रिलैक्स मोदी जी, कम ऑन, आप नहीं जानते आप किससे बात कर रहे हैं। मोदी जी कहते कि आपके पास कोई जुगाड़ है, मैंने ये काम मेरा, मैं कौन हूं जानते नहीं, मैंने एक्सपर्ट इन आईटी, राइट, मेरा काम ही है ये, मेरे पास का सॉल्यूशन है। द सॉल्यूशन, व्हाई डोंट यू मेक अ कम्युनिटी क्लाउड। बोले ये क्या होता है, मैंने कहा कुछ काम करो, कुछ भी मत करो, सभी आपके डिपार्टमेंट को कह दो अपने अपने क्लाउड 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 न बनाए, सभी का मिला के एक कॉमन क्लाउड बनाए, और सभी का डेटा एक ही क्लाउड में, एक ही क्लाउड कंपार्टमेंट बना बना के, जैसे रेलवे में बनते हैं वैसे कंपार्टमेंट बना बना के आप एक ही क्लाउड में सबको बांट दो। बोले फिर सब तो एक दूसरे का डाटा देख लेंगे। कम ऑन रिलैक्स मोदी जी, उसका भी उपाय है, सब साथ में रहेंगे पर किसी का किसको कुछ नहीं दिखेगा। यानी बोले मोदी जी, बोले ये कैसे मुमकिन है, ये मुमकिन है, यानी कि डेटा को हम लोग इस तरह से डिवाइड करेंगे, प्राइवेसी विल बी मेंटेन्ड। मतलब कैसे, एक क्लाउड होगा, एक ही बिल्डिंग होगी, सिक्योरिटी सबकी कॉमन होगी, यानी बिजली का बिल भी सब लोग डिवाइड करेंगे, इंजीनियर्स का बिल भी सब लोग डिवाइड करेंगे, और अंदर ही अंदर हम उसके पार्टीशन कर देंगे, हम लोग सबके अपने अपने डिफरेंट आईडी पासवर्ड क्रिएट कर देंगे, सो दैट नो पर्सन ऑफ कस्टम विल बी एबल टू एक्सेस द डेटा ऑफ आरओसी एंड वाइस वर्सा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड द कॉन्सेप्ट इज ओवर। और ये कॉन्सेप्ट इतना फेमस हुआ, मालूम बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स ने तक आपस में कॉमन क्लाउड बनाया, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जबोंग, मिंत्रा, अलीबाबा, अमेजॉन, अगर चाहे चाहे तो कॉमन क्लाउड बना के अपना पैसा, बोलो ना, शेयर कर सकते। अब बताओ इसमें प्राइवेट की जैसी सिक्योरिटी क्यों है? सर ये प्राइवेट है, मतलब ये पब्लिक नहीं है, ये तो इन लोग चार पांच ही लोग है, तो ये प्राइवेसी तो हो ही गई, और इसमें पब्लिक का मजा लेस कॉस्टली है क्या? हाँ, क्योंकि पूरा जो पैसा वो सब में शेयर कॉन्ट्री हो गया। सर ये एक बात बताइए, प्राइवेट में ये प्राइवेट से अच्छा क्यों है? सर इसमें प्राइवेट जैसी सिक्योरिटी भी है, येट इज इट लेसर कॉस्टली। समझ में आ रहा है गाइस? ये पब्लिक से अच्छा क्यों है? इसकी सिक्योरिटी भी ज्यादा है, सिक्योरिटी भी और पैसे उतने ही जितने की पब्लिक को लगते, बिकॉज पूरा कॉस्ट यहां पे कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? This concept is called as community. तो बताएंगे चार concept कौन से? Private, public, मजा नहीं आ रहा। Hybrid community को थोड़ा सा ऊपर सुर लेना पड़ेगा, बड़ा बड़ा थकेले टाइप बोल रहा है। थोड़ा सा अच्छे से बोलेंगे। हाँ, 4, 3, 2, 1, start, come on everybody. चार चीजें हो गई। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा फटाफट, और ये जो हमने डिस्टिंग्विश लिखा है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। बस ये यहाँ पे जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके सामने जो लिखा हुआ है, हम लोग उसके अपने बुक में भी लिखेंगे, पर मैं आपसे लिखवा के लूंगा, पर आपको पहले समझना पड़ेगा एक बार और, कितने प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड दिख रहे हैं यहाँ पे, इसके अंदर पॉइंट्स कितने? 6 पॉइंट्स है, और एक पॉइंट और लगा देंगे जिसका नाम है कंट्रोल, तो इसके क्या है? 7 पॉइंट्स है। अभी
एग्जामिनेशन में कितने क्वेश्चंस आएंगे उनके? 12 क्वेश्चंस. कितने सर? 4 क्वेश्चन के ऊपर 12 क्वेश्चन कैसे? हर एक का एडवांटेज, हर एक का डिसएडवांटेज और हर एक के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कॉन्सेप्ट कितने? 4 और क्वेश्चन कितने? 3, यानी कितने हो गए? 12. मतलब प्राइवेट के एडवांटेज, प्राइवेट के डिसएडवांटेज, प्राइवेट की कैरेक्टरिस्टिक्स, पब्लिक के एडवांटेज, पब्लिक के डिसएडवांटेज, पब्लिक के कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे चारों के भी होंगे. यानी कि इसका मतलब क्वेश्चन हमारे जो बुक में 3.5 पेज में 12 क्वेश्चंस पूछे और 12 क्वेश्चन का एक ही मास्टर स्ट्रोक आंसर है जो ये 7 पॉइंट्स है. लेट हिम आस्क एनी क्वेश्चन, आप सभी का आंसर लिख पाओगे अगर आपको ये पता है. तो इसका एक मेमोरी टेक्निक है. मेमोरी टेक्निक इज ऐसी चीज जिससे हम लोग सारे पॉइंट्स याद कर लेते हैं. तो बोलेंगे, अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी सास कैसी हो, CACS जैसी हो. क्या बोलेंगे? हमारी सास कैसी हो, CACS जैसी हो. संजो, हम लोग मोर्चे में खड़े हैं, मैं आपका नेता हूं और आप मेरे पीछे बोलो, ठीक है? हमारी सास कैसी हो, CACS जैसी हो. अरे ऐसा ऐसा करो ना, वो नहीं होते क्या? आपने कभी मोर्चे नहीं किए? हमारी सास कैसी हो, हमारी सास कैसी हो. क्या बोल रहे चिचोर आदमी, क्या बोल रहे? कहां से सास, कहां से CACS, क्या बोल रहा है ये? पूछो ना क्या है ये. आपको स्क्रीन पे 3 एस दिखेंगे, 2 ए दिखेंगे और 2 सी दिखेंगे. यानी कि सास भी बन जाएगा, सी ए भी बन जाएगा, सी एस. इसमें आपको एक सी दिख रहा नहीं होगा, वो सी ए कॉस्ट कंट्रोल वाला, कंट्रोल. यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाएंगे, हमारी सास कैसी हो. बोलेंगे बच्चा सी ए सी एस ए. सर क्या क्या बनाते हो आप इस तरह से? सर ये क्वेश्चन बना के आपने क्या हासिल कर लिया? 12 क्वेश्चंस का एक ही टेक्निक है. लेट हिम आस्क एनी क्वेश्चन, जवाब तो एक ही होगा, हमारी सास कैसी हो. मतलब संसार के 12 क्वेश्चन का आंसर एक ही टेक्निक में समाया. 12 क्वेश्चन की अलग से मेहनत करने की जरूरत? सर आप ऐसा प्रूव करके दिखाएंगे? हम प्रूव करके दिखाएंगे. 12 में से कोई भी क्वेश्चन उठाओ, आपको उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, इसी के अंदर है. पॉइंट्स आईसीए का कहता है इन्हीं पॉइंट्स के एडवांटेज में लिखा है, इन्हीं पॉइंट्स से कुछ पॉइंट्स डिसएडवांटेज में लिखा है, इन्हीं पॉइंट्स से कुछ पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है. आपको घुमाया, आप घूमना मत, आपके पास एक ही आंसर ये मास्टर स्ट्रोक है, इसको याद करें, सारे आंसर खत्म. ये है हमारी सास कैसी हो, सीए जैसी हो. तो इसमें 3 एस है, राइट है? बोल रहे नहीं. इसमें 2 है, 2 3:2:2. यानी कि यहाँ पे 2 ए भी है और 2 बोलो रहे एस से. बोलो क्या है? स्केलेबिलिटी. आपको बोलना है, अभी कब से हम लोग वही कर रहे हैं, अभी समझा है, अभी याद करेंगे ताकि एग्जामिनेशन लिख पाएंगे, वरना वहां सोचते रहेंगे अरे इसका जवाब क्या था. क्लाउड सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा भाई और बहन, इसके आंसर को याद करना भी जरूरी है, अदरवाइज आप लिखोगे क्या एग्जामिनेशन में? वो पूछ लेगा आपसे राइट डाउन एडवांटेजेस, फिर आप एक एक विचार करोगे, टाइम वेस्ट होगा, पेपर 80 मार्क्स का सॉल्व होगा. हमें लिखते समय विचार ही नहीं करना, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्निक होगी. एस फॉर व्हाट? स्केलेबल. एस फॉर सिक्योरिटी. स्ट्रॉन्ग SLA, याद है क्या? नहीं. SLA, ए से अवेलेबिलिटी. एडमिन. सी से क्लॉज. सभी लोग अच्छे से देख ले एक बार, 7 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, आपको याद भी करना है और एक बार फिर से बोल गया. कितने? 3:2:2. 3:2:2. 3 क्या है? S, बाकी 2 है कॉस्ट. देखो 2 क्या है यहाँ पे? A है. ये 3, ये क्या है? C. बराबर है, सैक. बराबर है, ओके. सभी लोग अब देखो, बगैर देखे आप बोल पाओगे, मुझे गारंटी है आपके ऊपर. 3 S बोल के बताएंगे. S for scalable, S for security, S for SLA. खत्म हो गया. अब 2 A बोलेंगे. A for availability, A for एडमिन भी बोल सकते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में वो सुर मैच नहीं हो रहा. एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? A for admin, A for अवेलेबिलिटी. अभी हो गए ए. अब बात करेंगे सी के. सी फॉर 7 पॉइंट्स हो गए. एक बार फिर से बोलेंगे, फिर हम लोग ने समझा भी है, याद भी कर लिया
और मैं आपको कोई भी रैंडम दो तीन क्वेश्चन लेके बताऊंगा, उनके एडवांटेज ले लो, डिसएडवांटेज लो, इसकी दुनिया इसी में समाई है। अलग से अपने आपको दर्द 3.5 पेज को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, टैली करा के दूंगा, कोई भी क्वेश्चन उठा आंसर इसी में। ओके एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट, हमारी सांस कैसी हो, हमारी सांस कैसी हो, यानी कि 3 S 2 A 2 C। ओके 3 S, S for security, S for SLA, A for admin, A for admin, C for cost, C for control, hey. ये कैसा लूप में, अभी रुकना थोड़ी ना, एक दो बार बोलेंगे तो याद ही करें ना, आप तो बार बार रुक जाते हो। S for security, S for ability, A for admin, C for cost, C for control, Last. S for security, A for SLA, A for admin, C for cost, C for control. Hey. Oh. Bas. Thank you so much, guys. Thank you so much. Kya baat hai, super. अभी एक काम करेंगे, हम आपको प्रश्न पूछेंगे। देखो थोड़ा सा जो है ना, मेहनत कम करो, सिर्फ दिमाग लगा के याद करो, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अभी देखो आपको मैं कोई भी क्वेश्चन यहां से दिखा दे रहा हूं, पढ़ेंगे अब देखते हैं। प्राइवेट के एडवांटेज वाला क्वेश्चन दिख रहा है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है, प्राइवेट के एडवांटेज दिख रहे हैं, अरे बोल रहे भी नहीं, फिर पब्लिक दिख रहा है, पब्लिक के कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, पब्लिक के एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके नीचे लिखे होते हैं, उसके बाद में हाइब्रिड दिख रहा है, हाइब्रिड के कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज नीचे, कम्युनिटी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज नीचे। अच्छा एक काम करते हैं, एक ही क्वेश्चन उठाते पहले, प्राइवेट के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइवेट के एंगल से 7 पॉइंट लिख सकते हैं आप। चलो प्राइवेट के तीनों भी क्वेश्चन हम लोग बगैर देखे ही फिनिश करते हैं, बाद में आप चेक कर लेना, बुक में भी वही लिखा है। ओके रेडी, हमारी सांस कैसी हो, प्राइवेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है ना। एस फॉर व्हाट, प्राइवेट स्केलेबल है कि नहीं, खत्म हो गया एक पॉइंट, एग्जामिनेशन में वही लिखना। एस फॉर दूसरा पॉइंट बोलो, एक मिनट, प्राइवेट में सिक्योरिटी, खत्म हो गया। तीसरी पॉइंट बोलो, प्राइवेट में SLA, ओके। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में सब कुछ लिखते हैं, ओके। 3 S हो गए, 2 A बोलो, प्राइवेट में अवेलेबिलिटी, एडमिन हम लोग खुद करते हैं, प्राइवेट की कॉस्ट ज्यादा होती है, और प्राइवेट में सी फॉर कंट्रोल, क्लियर है। कैरेक्टरिस्टिक में 7 पॉइंट ठोक देने के, हो गया। एडवांटेज में आप देखेंगे 7 में से कुछ कुछ एडवांटेज है और कुछ कुछ है, आप बताना क्या क्या एडवांटेज है। वापस से हमारी सांस कैसी हो, ओके। एस फॉर व्हाट, प्राइवेट, हाँ ये आप बताना, एडवांटेज स्केलेबल नहीं है ना, तो डिसएडवांटेज में डालेंगे उसको, ओके। एस फॉर व्हाट, अरे बोल रहे नहीं आप, सिक्योरिटी प्राइवेट में ज्यादा है तो एडवांटेज में लिखना, एडवांटेज में लिखना। एस फॉर व्हाट, तो प्राइवेट में SLA, तो डिसएडवांटेज में जाएगा, ओके। आपको समझ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, आंसर एक ही है, उसको एडवांटेज में भी डाल रहे हैं, डिसएडवांटेज में डाल रहे हैं, और कैरेक्टर में सब कुछ लिखना है। वन मोर टाइम, अभी क्या चल रहा है, ए ए, हाँ, प्राइवेट में अवेलेबिलिटी नहीं है तो डिसएडवांटेज, एडमिन हमें खुद को कर, अभी इसका तुम एडवांटेज में भी लिख सकते हो कि हम हमारी चीज खुद मैनेज करेंगे, और डिसएडवांटेज के हमने वो क्या यार, अपने खुद को करने की जरूरत पड़ती है, डिसएडवांटेज भी डाल सकते हैं क्योंकि काम बढ़ जाएगा आपको, तो जैसा आपको लिखना वैसे लिख देना, ओके। हाँ आगे बोलो, प्राइवेट में कॉस्ट, एडवांटेज का डिसएडवांटेज, वन मोर सी, हमारा कंट्रोल ज्यादा, हमारी चीज हमारी आंखों के सामने है, एडवांटेज। अब अगर मैं यही पब्लिक से पूछूं, तो पब्लिक के कैरेक्टरिस्टिक्स, पब्लिक के एडवांटेज और पब्लिक के डिसएडवांटेज क्या आप बता सकते हो?
फिर से एक बार हमारी सास कैसी हो? आपको सभी को आना है, एक बार फिर से बोलेंगे पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोलना है, ओके? तीन एस, एस फॉर व्हाट, कम ऑन गाइस, इसका मतलब क्या है? पब्लिक में स्केलेबिलिटी ज्यादा है, हम कैरेक्टरिस्टिक में पूरा बोलेंगे, ओके? वन मोर एस, सिक्योरिटी थोड़ी कम, वन मोर एस, इसमें स्ट्रॉन्ग एस ले होते हैं, वेरी गुड। सी फॉर व्हाट, कॉस्ट इसकी, वन मोर सी, कंट्रोल, इसमें कंट्रोल ज्यादा है कि कम है? कम है। अब इसमें ए वाले बात, ए वाले दो पॉइंट बाकी, ए फॉर व्हाट, पब्लिक में अवेलेबिलिटी, वन मोर ए, एडमिन थर्ड पार्टी कर रहा है। अब ये सात पॉइंट तो आपने लिख दिए, तो आपको ये अलग से याद करने की कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत नहीं, अब एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी हमें याद ही है। सिर्फ मैं आपको पूछूंगा, बताओ बच्चों एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, आपको वही वही बोलना है, ओके? आप बताएंगे दोस्तों एडवांटेज में, हां ओके। एस फॉर व्हाट, स्केलेबल, एडवांटेज है इसका, स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा। एस फॉर व्हाट सर, इसमें सिक्योरिटी थोड़ी सी कम है, तो वो डिसएडवांटेज में। वन मोर एस, इसमें स्ट्रॉन्ग एस एलिमेंट्स, एडवांटेज, ओके। दो ए, अवेलेबिलिटी जब चाहे तब मिलती है, एडवांटेज हो गए, एडमिन वो भी थर्ड पार्टी है, अच्छी बात है, हमारा टेंशन वो मैनेज करेंगे, ओके। दो सी, हमारी कम लगेगी, एडवांटेज है ना, वन मोर पॉइंट कर, हमारा कंट्रोल कम हो जाए। अलग से 12 क्वेश्चंस याद नको करो, मेहनत मत करो, हमारी सास कैसी है, सीएसए जैसी है, ये एक टेक्निक है, पर प्रश्न 12 होंगे, जवाब एक ही होगा, जवाब होगा सीएसएस कैसी हो, हमारी सास जैसी हो। बड़ा समझ में आ रहा है? वही तो, ये जो है सास सीएसएस आपको याद करना है। आई थिंक पॉइंट्स अभी बहुत बार रिवाइज भी हो गए, और आपको मैंने दो क्वेश्चंस ऐसे हाइब्रिड में भी करते आएगा और कम्युनिटी में भी करते आएगा। इसी के साथ में कॉन्सेप्ट हमारा, ना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे, अंदर के तीन तीन क्वेश्चन 12 क्वेश्चंस भी हो गए, आपको याद कर, समझ गया ना, एग्जामिनेशन के पहले क्या क्या नहीं करोगे, अंदर जाके ऐसे ऐसा पढ़ के दिमाग खराब मत करिए, वो वही पॉइंट्स अंदर लिखे हुए हैं, आपको चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, आप अंदर भी वही लिखा है, सिर्फ आप उस मेहनत मत करना, कुछ दिमाग लगाओ, सात सीएसएस, अंदर का 12 क्वेश्चन अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। समझ गए आप? एवरीबॉडी गॉट इट? अच्छा, ये आपने लिखा हुआ है क्या, कौन सा, ये जो मेरे को डिस्टिंग्विश लिखवाना था, ये आपने लिखा है? तो आप अपने मन से लिख सकते हो गए? अब देखो, मैंने स्क्रीन पे तो सब कुछ दिया हुआ है, आप लिखना चालू करेंगे, ऐसे चार कॉलम बनाएंगे जल्दी जल्दी, चार बना लिए अपने कॉलम्स, मेक फोर कॉलम्स फटाफट। अच्छा, वो करना क्या है, चार कॉलम्स आपने बना दिए, उसके नीचे जो एस, स्केलेबल, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, वो सारे पॉइंट्स आप पहले लिख लो, और बाकी चीज़ आप कॉपी पेस्ट मत करो, हम लोग करेंगे ना अपने से, मतलब जो लेस, मोर, हाई, लो, वो सब कुछ लिखना ना, वो कॉपी मत करो, हम लोग को लिखना है, आप सिर्फ फर्स्ट कॉलम के सारी बातें कॉपी पेस्ट कर लो, कौन सी स्केलेबिलिटी, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, वो सब डाल दो अपने से, बाकी मैं आपसे पूछता हूँ, फिर आप भर देंगे उसको, क्योंकि हम चाहते हैं घर पे पढ़ने की उसको जरूरत ही ना पड़े, एक बार आपसे खुद से लिख के हो गया तो फिर आप आराम से हो जाएगा ना। फर्स्ट कॉलम आप एज इट इज कंप्लीट कर लो, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी, और फर्स्ट रो जो है प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, वो सब लिख दो।
करने चला है तू जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से हमें हूं गुजरा शायद यही दिल में रहा तू मुझको मिल जाए क्या पता क्या है ये सिलसिला जानू ना मैं जानू ना दिल संभल इस माइक को ठीक किया कितना माइक का बैटरी ठीक किया की बातें भी आपने लिख ली क्या अंदर का लिखकर हो गया कि क्या मुझे बोलना है स्केलेबिलिटी में आप ही बता दो किसका सेलेबिलिटी मोर तो पब्लिक के नीचे मोर लिखेंगे और प्राइवेट में स्केलेबिलिटी लेस और हाइब्रिड में कौन सा पार्ट स्केलेबल आएगा ओनली पब्लिक पार्ट इज स्केलेबल अगर आपको मेरी बोली हुई बातें नहीं समझ रही स्क्रीन पे भी वही लिखा है मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हम लोग खुद से लिखेंगे तो याद हो जाएगा इसीलिए ओके आप ही बता दो कॉस्ट वाली चीज में कौन सा हाई कॉस्ट लो कॉस्ट प्राइवेट में हाई कॉस्ट आएगा पब्लिक में लो कॉस्ट आएगा और हाइब्रिड में मॉडरेट आएगा खत्म हो गया ओके नेक्स्ट पॉइंट अवेलेबिलिटी में बताएंगे अवेलेबिलिटी किसकी मोर पब्लिक में तो कभी भी पैसा दो लगे चल हो जाएगा तो मोर आएगा पब्लिक में प्राइवेट में मुश्किल है तुरंत चीजें नहीं मिलती तो प्राइवेट में आएगा लेस पब्लिक में आएगा मोर और हाइब्रिड में आएगा मॉडरेट सिक्योरिटी किस में ज्यादा तो प्राइवेट में लिखो मोर सिक्योर्ड पब्लिक में लेस सिक्योर्ड और हाइब्रिड में आएगा पार्शियली सिक्योर्ड मॉडरेट भी लिख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं एडमिनिस्ट्रेटर में थर्ड पार्टी मैनेज करती है पब्लिक थर्ड पार्टी मैनेज करती है और हम लोग खुद मैनेज करते हैं प्राइवेट में ऑन इट्स ओन और हाइब्रिड में क्या लिखेंगे दोनों मैनेज करते हैं कुछ कुछ हम मैनेज करते हैं कुछ कुछ वो मैनेज करते हैं कहां पे एसएलए स्ट्रिंजेंट मिलेगा पब्लिक में पर तो पब्लिक में यस लिख दो आप प्राइवेट में तो एसएलए बनता ही नहीं तो नो लिख दो और हाइब्रिड में Stringent SLA only for public area. लिखो Stringent SLA only for public area. Private का तो नहीं बना सकते हैं. Done? सारी बातें खत्म Everybody got it? Control का लिख दो बस कंट्रोल पे कहां पे हाई कंट्रोल लो कंट्रोल प्राइवेट में हाई कंट्रोल आएगा पब्लिक में लो कंट्रोल पब्लिक में तो हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता है ना क्या करें और कंट्रोल हाइब्रिड में क्या आएगा मॉडरेट चल ये क्वेश्चन भी खत्म क्लाउड के ऊपर कल एक क्वेश्चन देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स आज एक क्वेश्चन देखा हमने प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड कम्युनिटी There will be one more question on cloud, फिर cloud will be over. एक question आ रहा है advantages of cloud. एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा cloud में तो कैमरा सेट कर सकता क्या जैसे मैं घूमता हूं कैमरा घुमाना क्यों दूसरा कैमरा लगा दे ये ऐसे ही रहने ओके एक बात कोई जवाब देगा मुझे उसको ये भी बोल कि एनवेलप चाहिए मुझे 500 रुपीज तुरंत बोल और कैमरा भी ले गया ओके एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कॉन्सेंट्रेशन है सभी का yes, इस क्वेश्चन के बाद में 2 मिनट का गाना बजाएंगे आपका मन बहलाएंगे फिर नया कॉन्सेप्ट देखेंगे पर एक क्वेश्चन के बाद आपके एक सवाल है कॉस्ट की बात करेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करेंगे आप बताओ क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने सॉफ्टवेयर की जरूरत है आज एसपीसी क्लासेस को कल मैंने आपको एक swapnilpatni.com यहां पे खोलकर दिखाया था बोलो दिखाया था
तो मेरे 160 ब्रांचेस है, तो क्या डू आई नीड टू परचेस 160 और आई नीड टू परचेस ओनली वन? ओनली वन. मैंने जब सॉफ्टवेयर बनाया था अपने डेवलपर से, आई आस्क्ड हिम यार मेरी 160 ब्रांचेस है तो सॉफ्टवेयर बना दो. बनने के बाद मैं कितना टाइम लगेगा? आई थॉट से 2-3 months सब जगह पे जा जाके उसको इंस्टॉल करना पड़ेंगे. आई थॉट लाइक दैट. ही सेड सर 2 घंटे का जॉब. मैंने कहा 2 घंटे या 2 महीने? ही सेड 2 hours ओनली. मैंने कहा फिर सॉफ्टवेयर तो सब जगह पे. बोले हर अगर एक क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हैं आप तो देयर इज नो नीड टू गो टू ईच एंड एवरी लोकेशन एंड इंस्टॉल इट सेपरेटली इंडिविजुअली. यू जस्ट हैव टू अपलोड इट ऑन क्लाउड एंड वंस इट इज ऑन क्लाउड इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन. तो आपको हर जगह पे जाने की जरूरत ही नहीं है. और रही बात सॉफ्टवेयर की कॉस्ट की, तो मैंने कहा आप मुझसे कितना पैसा लोगे? बोले एक सॉफ्टवेयर का 3 लाख. मैंने कहा 160 ब्रांचेस? बोले साहब हमको तो एक ही बनाना है, वो भी क्लाउड पे रखेंगे और क्लाउड से सबको दिखता है, जैसे कि यूट्यूब. तो यूट्यूब ने तो फिर अगर हर एक आदमी के हिसाब से यूट्यूब अगर बनने लगा तो दुनिया में कितने यूट्यूब्स बनाना पड़ेंगे, समझे आप? तो दुनिया में नेटफ्लिक्स भी एक ही बना है, इतने लोगों के लिए एक ही. यही तो क्लाउड का सबसे बड़ा एडवांटेज है, लेस कॉस्ट. सोचो ना क्लाउड यदि नहीं होता और सब लोग नेटफ्लिक्स यूज करना चाहते तो सबके मोबाइल में अलग अलग से नेटफ्लिक्स लगा. तेरे इसमें लगा नेटफ्लिक्स, सब में नेटफ्लिक्स घुसेड़ना पड़ता अलग अलग से, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? न जाने कितने नेटफ्लिक्स डालने पड़ते हर एक, और वो भी जब भी एक नई मूवी आती तो सब अपने मोबाइल जमा करो नेटफ्लिक्स पे, एक नया मूवी आया लेके जाओ, एक नया सीरीज आया. बहुत अच्छा है. तेरे पास है क्या? मेरे पास है. आज तेरे पास मेरे पास का चक्कर नहीं, वहां पे जब आता ना वो सब में बढ़ता, जनहित में जारी है. जैसा कोई नया सीरीज आता है वो एक को नहीं दिखता, बिकॉज क्लाउड एक जगह है, वहां पे डालते हैं तो सबको दिखने लगता है. कितना दुनिया आगे बढ़ गई है क्लाउड की वजह से. इसलिए सिलेबस में सबसे ज्यादा जब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात होती है तो सबसे ज्यादा एरिया जो नंबर ऑफ पेजेस है वो क्लाउड की. अब ये मत समझो सारे कॉन्सेप्ट इतने बड़े बड़े कैसे, तो कब 10 होंगे, बाकी चिल्लर 10-10 मिनट में एक कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा. पर क्लाउड के ऊपर उन्होंने इतनी जानकारी दी बिकॉज हर कोई इंसान आजकल क्लाउड बोलता है. और स्पेशली जब आप सीए बन जाते हो तो आपको यही पता नहीं कि क्लाउड क्या होता है, तो फिर लोग हंसेंगे आपके ऊपर, क्योंकि क्लाउड इतनी बेसिक चीज है. अगर वेबसाइट है तो क्लाउड है, और दुनिया में हर कोई काम आजकल वेबसाइट पे तो हो ही रहा. सबसे जरूरत पड़ेगी आपको सीए फॉर्म में. आपने जो काम किया आपको ऑफिस के ड्राइव पे रखना ही नहीं, आपको उसको क्लाउड पे ही रखना है, ताकि वही डेटा आपको कहीं से भी एक्सेस होने मिलेगा. सपोज किसी दिन आप लैपटॉप ऑफिस से ले जाना भूल गए तो आपका काम रुकेगा नहीं, क्योंकि वो डेटा ऑफिस के लैपटॉप पर भी है और वो तो आपको घर पे जाना है, अपने घर के डेस्कटॉप से आईडी पासवर्ड डालना, डेटा दिखेगा आपको. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो एडवांटेज की बात करते हैं अगले 5 मिनट्स में. आपको सभी आता है, एक बार देखते हैं एडवांटेजेस में क्या लिखा है. रेडी गाइस? सर आपने तो अभी सबके एडवांटेज बताए थे, वो चारों के एडवांटेज वो अलग थे, वो तो प्राइवेट पब्लिक के थे. अब मैं सबके मिला के क्लाउड एज ए होल कॉन्सेप्ट आपको पूछ रहा हूं, सबका मिला के एडवांटेजेस क्या है. सर कहां है क्वेश्चन? आइए देखते हैं. रेडी गाइस? अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल लिखा है. सभी लोग कॉन्सेंट्रेशन से जब मैं पढ़ाता हूं ध्यान देना प्लीज. अब मैं सिर्फ लाइन पढ़ता हूं क्या लिखा है. वॉल्यूम आउटपुट और प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज इवन विद अ फ्यूअर सिस्टम, देयर बाय रिड्यूस द कॉस्ट पर यूनिट. आप मुझे बताइए क्या बोलना चाहते हैं? बोलते हैं सॉफ्टवेयर की कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी, कम चीजों में भी बहुत लोग काम कर पाएंगे. अरे आप क्या बैठे हो यहाँ पे? कुछ के मैं क्या बाबा हो रहा हूँ? कुछ के मैं प्रवचन दे रहा हूँ क्या? अरे मैंने क्या बोला? कम चीजों में भी सारी दुनिया आनंद उठाएगी. कैसे? अरे एक ही सॉफ्टवेयर बना दो, आपका एक ही मूवी बना दो, अरे नेटफ्लिक्स का पूरा वर्ल्ड देखेगा. मूवी सबके लिए अलग बनेगी क्या? सबके लिए अलग सॉफ्टवेयर, अलग नेटफ्लिक्स डालना पड़ेगा. एक चीज लगा दो सब में बटेगी. कम ऑन एवरीबॉडी, बताओ अगर मैंने क्लाउड लिया तो मेरे कितने सॉफ्टवेयर होंगे? तो क्या ये सही कह रहा है? फ्यूअर सिस्टम्स में, फ्यूअर चीजों में सारे सब लोग उसको बांटेंगे, शेयर करेंगे. एक सॉफ्टवेयर लाखों लोगों में शेयर होगा. एसपीसी का एक सॉफ्टवेयर 160 में शेयर हो रहा है, नेटफ्लिक्स का तो न जाने कितने लाखों में शेयर हो रहा होगा. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? एवरीबॉडी गॉट इट? ओके, अगला प्रश्न. रिड्यूस स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर. वहां पे लिखो एग्जांपल, लिखो पब्लिक क्लाउड. सर क्या बोला है आपने? कोई जवाब देगा मुझे? कौन जवाब देगा इसका? एनीबॉडी कैन आंसर? इधर से कोई जवाब? आप क्या लोगे जवाब दे सकते हैं? आप जवाब देंगे? सर अपने को 160 ब्रांचेस है एसपीसी की,
तो 160 सॉफ्टवेयर लगाने की जरूरत नहीं है, अपने को एक सॉफ्टवेयर पुणे में लगाना पड़ेगा। सोचो ना अगर ऐसा होता, वो कहते पब्लिक में पब्लिक क्लाउड में आपको इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो क्या हमें कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं? नहीं सर, एक सॉफ्टवेयर लगा देंगे 160 सॉफ्टवेयर का जाने दो, हार्डवेयर की बात भी कर लेते हैं। बड़े बड़े मशीन्स, क्या मैंने आजकल बड़े बड़े मशीन्स खरीदे हैं या वो भी भाड़े पे मिल रहे हैं? वो भी भाड़े पे मिल रहे हैं, कुछ भी खरीदने की जरूरत कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं। अरे वो जो सर्वर, आप जो लैपटॉप की बात करें ना, वो केवल 40,000 का लैपटॉप है, पर जो मैं बड़े बड़े मशीन्स की जब बात करता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे छोटे छोटे मशीन से नहीं बनता, उसको बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लगते हैं जिसकी कॉस्ट करोड़ों की होती है। तो क्या करोड़ों की इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने लगाया गया पर करोड़ों का आनंद उठा रहा हूं मैं? नहीं समझे, करोड़ों न डालते हुए भी करोड़ों का आनंद ले रहा हूं, क्योंकि जो आपने बड़े बड़े मशीन्स देखे थे ना गूगल के पास में, वो मशीन की स्पीड का एहसास आप देखते हो ना, कोई भी वेबसाइट पे जाते हो लगेज भारत है, सब क्लिक करो लगेज आता है, वो क्यों आ रहा है? मेरा मशीन फास्ट नहीं है, उनका मशीन बहुत फास्ट है, यानी कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की जो मशीन लगाई हुई है उसका फायदा मुझे अपने घर पे बैठे हो रहा है केवल 40,000 रुपए देके। सो डू आई नीड टू इन्वेस्ट सो मच ऑन हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर? नो, बाय मेकिंग सम, वहां पे लिखा ना आपको सिर्फ पे एज यू गो देना है, आपको सिर्फ पे पर यूज देना है, उतना दे दो और उतने का आनंद लो, जो करोड़ों रुपए देके जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलते हैं उतने लगाने की जरूरत नहीं, आपको तो केवल कुछ चंद रुपए देके आपको मजे लेना है। एडवांटेज है कि नहीं है? और रही बात जैसे कि उन्होंने सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, क्या इतने सारे सॉफ्टवेयर लगाने की जरूरत है क्या? नहीं मुझे नहीं। अरे है क्या? नहीं है। नो सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबलाइज द वर्कफोर्स। ये लिख रहा है पीपल वर्ल्ड वाइड कैन एक्सेस द क्लाउड, यस और नो गाइस? ऐसा क्यों बोला? ये पॉइंट हमने कल भी देखा था, मैंने तब भी कहा था कि आपको वर्ल्ड वाइड एक्सेस मिलता है। अब कुछ भी बोलेंगे यहां पे, अब जैसे मैं यहां पे YouTube पे कुछ भी डालता हूं, कोई भी एक चीज डालेंगे, कुछ भी, अभी जैसे YouTube है, क्या YouTube को क्लाउड मानते हो? क्या इसका ग्लोबल वर्कफोर्स है कि नहीं? ग्लोबल मतलब क्या दुनिया में कहीं से भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये चीज से मुझे दिख रही है, किसी को भी दिख रही है? बिकॉज ये डेटा कहां पे है? क्लाउड पर है। तो अगर मैं कुछ भी यहां पे चला देता हूं आपके लिए, चलो मैशअप लगा दे किसी का, ये किसको दिखता है बता दो, आप ही बता दो किसको दिख रहा है। ग्लोबल वर्कफोर्स क्यों है, उसमें एक लाइन लिखी, अंडरलाइन करो एनीवेयर, देखो बात पूछूं, ये गाना सुनने वाले लोग सिर्फ इंडिया के नहीं हो सकते, कुछ लोग इंडिया के फॉरेन में भी बैठे होंगे, पर ये अपलोड करने वाला जो बंदा है कौन है, कौन इसका बॉलीवुड रोमांटिक हिंदी सॉन्ग्स कोई तो इसका चैनल है जिसने ये अपलोड किया हुआ है। अब सोचो इसको ये पॉइंट का फायदा हुआ कि नहीं? व्हाट एवर ही अपलोड्स ऑन क्लाउड इट बिकम्स एक्सेसिबल टू वर्ल्ड। ओके जालिमा, पॉइंट नंबर 4, स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेसेस। एक बात पूछूं आपसे, क्या आपको लगता है मेरी बिजनेस की प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हुई है? एग्जांपल लिखेंगे एसपीसी एडमिशन, मैं समझाता हूं क्या बोल रहा हूं, लिखो एसपीसी एडमिशन। एसपीसी एडमिशन की प्रोसेस क्या स्ट्रीमलाइन हुई है? क्या कैसे स्ट्रीमलाइन हुई? आप जब एडमिशन लेते हो या कोई पेनड्राइव परचेस करता है, डू आई नीड टू गेट इन्वॉल्व इन इट? नो, माई एम्प्लॉयज आर नीड टू गेट, दे आर ऑल्सो नॉट रिक्वायर टू गेट इन्वॉल्व इन। आराम से अपने आप ही पब्लिकली क्लाउड की वजह से इंडिया में कोई भी इंसान मेरी वेबसाइट पे आता है, वो पेन ड्राइव परचेस कर लेता है। आप एसपीसी की एक प्रोसेस है जो सेल्स करने की, वो अपने आप ही स्ट्रीमलाइन हो रही है। प्रोसेस मतलब क्या? सेल्स की प्रोसेस, परचेस की प्रोसेस। एक प्रोसेस दिखा दो, ट्रैकिंग आईडी। जैसे कोई इंसान मेरी पेन ड्राइव परचेस करता है तो उसको यहाँ पे कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रैकिंग नंबर डालता है, उसको अपने आप समझता है कि उसका ऑर्डर कहाँ तक पहुँचा है। इसका मतलब क्लाउड के माध्यम से मैंने ट्रैकिंग आईडी को ऑटोमेट किया है, मेरे एडमिशंस को ऑटोमेट किया, मेरे सेल्स को ऑटोमेट किया है। इसका मतलब एसपीसी ने इसका यूज करके अपने काफी सारी प्रोसेस को ऑटोमेटेड करके पूरी तरह से मैनेज किया हुआ है। एग्जाम्पल राइट ऑन एसपीसी एडमिशन कॉमा सेल्स कॉमा ट्रैकिंग, ये सारी चीजें आप खुद भी करते हो इसलिए मैंने आपको बताई। रिड्यूस कैपिटल कॉस्ट, आप मुझे बता देंगे दोस्तों कैपिटल कॉस्ट, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कैसे कम हो गई? अरे यार क्या मुझे बड़े बड़े मशीन्स खरीदने की जरूरत है क्या?
क्या मुझे वो सारी मशीन्स भाड़े पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या करोड़ों की मशीन्स खरीदने की जरूरत है क्या मुझे? क्या मुझे मशीन्स को सिर्फ कुछ पैसे देके एक्सेस करने मिल रहा है कि नहीं? और रही बात सॉफ्टवेयर की, इन्होंने लिखा, देखो सॉफ्टवेयर भी लिखा है, हाउ मेनी सॉफ्टवेयर आई नीड टू परचेस ओनली, डू आई नीड टू परचेस 160, आई नीड टू परचेस ओनली, मतलब 3 लाख में काम हो रहा है, जो क्लाउड नहीं होता तो 5 करोड़ के सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ते हैं, आज तो सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर में आ हो गया, लिखा है हार्डवेयर कॉस्ट, लिखो एग्जाम्पल एसपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू परचेस, नॉट रिक्वायर्ड टू परचेस बिग मशीन्स हार्डवेयर्स, बिग मशीन्स हार्डवेयर्स कॉमा 160 सॉफ्टवेयर, इतना सब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। सर आप जब पढ़ा रहे हैं ऐसा लग रहा है सब कुछ आ रहा है, अरे पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में तुम एडवांटेज पढ़ा लो या डिसएडवांटेज पढ़ा लो क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ आना ही है, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप भी देखो उसके बाद में क्या लिखा है, एक्सेसिबिलिटी, देखो एग्जाम्पल वंस अगेन यूट्यूब, कि यूट्यूब एनीवेयर एनी टाइम है क्या नहीं, लिखो फेसबुक, लिखो इंस्टाग्राम, anywhere anytime, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट था, कभी भी बजाता हूं कभी भी बंद कर देता हूं, एनीवेयर एनीटाइम, ओके गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड, कि ये गाना आप अपने घर पे भी देख रहे हो एनी टाइम, रात में भी देख सकते हो 3 बजे 4 बजे मॉर्निंग में भी, कभी कोई इंसान है रात में किसी ने फेसबुक यूज किया है कभी? सवेरे 3-4 बजे फेसबुक यूज किया है कोई? है किसी ने 4 बजे कभी फेसबुक पे कोई पोस्ट किया कोई चैटिंग? बेटा खड़े हो जाइए, बेटा 4 बजे क्या करते हो ऐसा कौन है आपको 4 बजे फेसबुक पे ऑनलाइन दिखता है? वो सीपीटी में थी कोई? अच्छा कोई बात नहीं बेटा, जनहित में कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो बोल रहा सीपीटी में थी कोई, 4 बजे मिलती थी, सपने में मिलती थी, वो आपके चेहरे की मुस्कुराहट दिख रही है, ये बंदा है, लोग 4 बजे लोग सवेरे पढ़ाई करने उठते हैं, ये बंदा फेसबुक करने उठता है। सीपीटी में दोनों साथ में पढ़ाई करते थे फेसबुक। इनका बोलना है फेसबुक पे पढ़ाई करते थे, चैटिंग करते करते वो एक सवाल पूछती थी, ये भी एक सवाल पूछता था। बट आप दोनों की जोड़ी बहुत आगे जाए, थैंक यू सो मच। परवेसिव एक्सेसिबिलिटी आपको समझ गया होगा, एग्जांपल राइट ऑन फेसबुक यूट्यूब गाइस, कम ऑन आगे, मॉनिटर प्रोजेक्ट्स मोर इफेक्टिवली, इसके बारे में मुझे कुछ कहना है, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, बहुत बार तो मैं पुणे में नहीं होता हूँ तब भी मैं अपने बिजनेस को आराम से मैनेज कर सकता हूँ, मुझे तब भी समझता है कितने एडमिशन्स हुए, तब भी समझता है कितना सेल हुआ, तब भी समझता ऑफिस में कौन क्या कर रहा है, मुझे बताओ कैसे? अगर मैं अब मान लो सपोज इंडिया में हूँ, दुबई में गया, और अब मुझे वहां से देखना है कि आई वांट टू कंट्रोल, आई वांट टू मॉनिटर माय ऑर्गेनाइजेशन, कैन आई मॉनिटर? यस, बिकॉज मेरे पास लैपटॉप है, मैं वहां से अपना सेल्स चेक कर सकता हूँ, वहां से एडमिन चेक कर सकता हूँ, एडमिशन चेक कर सकता हूँ, अगर मुझे देखना है इनके प्रोडक्ट डिस्पैच हुए कि नहीं, वो डिस्पैच का डेटा भी क्लाउड पर आता है, तो मैं देख सकता हूँ जितने एडमिशन उनके बुक्स डिस्पैच हुए कि नहीं, उसके बाद में मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग कॉल करते हैं तो सिस्टम के ऊपर जब आता है तो उनके टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि सारे एम्प्लॉयज को जो टिकट्स मिले हैं यानी कि जो क्वेरीज मिली उनमें से उन्होंने कितनी सॉल्व की, उसके लिए मुझे मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं। यही तो कह रहा है कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं कहीं से भी और कभी भी, यानी कि सोचो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो रिलायंस जैसी होगी उनके मैनेजर को अब रिलायंस के ऑफिस में जाके बैठने की जरूरत नहीं, कहीं से भी वो एक्सेस कर सकते हैं। गाइस आर यू देयर? ये भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, लेस पर्सनल ट्रेनिंग इज नीडेड, यस और नो गाइस? कैसे बताओ, क्या आपको YouTube चलाने के लिए अभी YouTube चला रहे हो आप? तो कोई ट्रेनिंग ली थी आपने चलाने के? Facebook, Instagram की किसी ने ट्रेनिंग ली? कोई क्लासेस ज्वाइन करते हैं आप? बोलो भाई बोलो। ओके गाइस, आप बताएंगे दोस्तों? पढ़ाई पे ध्यान रखो नालायक को, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, कुछ मत लगने दो अभी,
ये जो भी हो रहा है हटाता हूं। एक बात पूछूं मैं आपसे, ये जो पॉइंट लिखा ना वो सही लिखा है? क्या पॉइंट लिखा बताओ? कभी क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करने के लिए एसपीसी क्लासेस को मुझे और मेरे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग तो वो देंगे ना जिसका क्लाउड कंप्यूटिंग का धंधा है। मैं तो 40,000 रुपए देके अपना काम खत्म करो। डू आई नीड टू गेट ट्रेनिंग ऑफ इट? नो, बिकॉज थिंग्स आर सो इजी टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू बी ट्रेंड फॉर इट, बिकॉज वो चीज कौन ट्रेनिंग देगा? जो अमेजॉन वेब सर्विसेज का ओनर जो है वो अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देगा। अरे मैं क्यों दूं? समझ में आ रहा है? मुझे ट्रेनिंग, फेसबुक आप भी देख लो, फेसबुक इंस्टाग्राम आप खुद क्लाउड कंप्यूटिंग दिन ब दिन यूज कर रहे हो। वी डोंट नीड ट्रेनिंग, वही तो लिख रहा है, इसको ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मिनिमाइज मेंटेनेंस। आप ही जवाब देंगे आज का मूवी टिकट क्वेश्चन। देखो मैं आपके टिकट्स यहां पे लेकर आया हूं, कौन जवाब देगा? मेंटेनेंस करना का, मेंटेनेंस करने का टेंशन बहुत कम है। बहुत ही आसान सा सवाल आपके लिए पूछा है। कहते हैं मेंटेनेंस बहुत कम करना पड़ेगा। आपको मैं क्लू दे रहा हूं, सोचो मेरे 160 सॉफ्टवेयर लगे कि एक सॉफ्टवेयर लगा है? अरे बोलो ना, एक लगा है बेटा। कितने एक लगे? एक ही लगा बेटा, को सही कहा बेटा। कितने सॉफ्टवेयर लगे? एक। कितने लगे? एक। अब कल चल के मेरे सॉफ्टवेयर में एक नया फीचर आया, हाँ, तो कितनी जगह पे अपडेट करना? वही एक ही कंप्यूटर में, एक ही। पर मैं तो 160 ब्रांचेस है, क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहा। नहीं नहीं, मुझे सब जगह पे जाके अपडेट करना पड़ेगा। एक ही जगह पे क्यों? मैं जाऊंगा? नहीं, जरूरत नहीं है। अगर ये ट्रेडिशनल होता, चिंटू खड़े हो जाए, ट्रेडिशनल होता और 160 जगह पे अगर मेरे सॉफ्टवेयर होते तो आपको जवाब देना कितनी जगह पे जा जाके मुझे अपडेट करना पड़ा? 160। पर आज मुझे करने की जरूरत है एक। क्यों? क्योंकि क्लाउड पर सॉफ्टवेयर एक ही जगह पे लगा। अब इसीलिए सोचिए, ध्यान से देखना, जब भी कुछ चीजें नहीं आती ना सॉफ्टवेयर में, तो फेसबुक वाले बड़े आसानी से उसको इंट्रोड्यूस कर देते। नहीं देखा? देखना, फेसबुक में हर एक दो महीने में एक नया फीचर आपको मिलेगा। अपडेट आती वो वहां पे अपडेट करते, पूरे समाज में, जनहित में, वो सबके मोबाइल पे आ जाती है। वो हर एक के घर पे आते नहीं बेटा? आपके घर पे कभी मार्क जुकरबर्ग आए थे फेसबुक में कुछ अपडेशन लेकर आए थे? आती होगी आपके घर पे वो? नहीं आते ना। मैंने समझा मैं क्या बोलना चाह रहा था? ये पॉइंट बहुत क्लियर है। मिनिमाइज मेंटेनेंस, प्लीज देखिए वहां पे, सिंस सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ओनली एट वन लोकेशन। सिंस सॉफ्टवेयर इज लोकेटेड only at one location, since software is installed at one location, no need to update softwares on multiple location. एक ही जगह पे रखा है तो एक ही जगह पे अपडेट करेंगे। No need to update on multiple location. ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ओए वो क्या बोल रहे हैं? इंप्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज पॉसिबल टू मेक फास्ट चेंजेस इन आवर वर्क एनवायरनमेंट विदाउट सीरियस इश्यू एट स्टेक। क्या बोल रहा है ये? कुछ भी चेंजेस करना बड़ा आसान हो जाएगा। सोचो ना, अब नेटफ्लिक्स कुछ चेंज लाना चाहता है, फेसबुक कुछ चेंज लाना चाहता है, इंस्टा पे एक नई स्टोरी का एक फीचर आ रहा है, या इंस्टाग्राम का कैमरा में एक नया वर्जन आना चाहता है। वो आता ना इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट पे देखा कैसे कैमरास में वो अलग अलग वो आता है, उनको एक नया मिला है, वो भी डालना है उसको। तो क्या उसके लिए सबको बोलेंगे भैया सब अपने मोबाइल जमा करवाओ, इंस्टाग्राम के अपडेशन आया आप जमा करवाइए, 6 दिन बाद वापस देंगे, कुरियर से भिजवा देंगे वापस। अब वो क्या लिखा, अच्छे से उस लाइन को पढ़ो। इट इज पॉसिबल टू मेक फास्ट चेंजेस, यानी कि चेंज कहां पे करना है उसको? इंस्टाग्राम के क्लाउड पर, उधर एक जगह पे ऐड कर दिया वो नया, हाँ, और इन आवर वर्क एनवायरनमेंट विदाउट सीरियस इश्यूज, यानी कि बहुत बड़ा कुछ आपको तमाशा नहीं करना, सबको बुलाना नहीं, वहां पे ऐड करा के एक मिनट में ऐड हो जाएगा, जनहित में जा रही है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझता है? फ्लेक्सिबिलिटी का उल्टा क्या होता है? रिजिड। रिजिड मतलब जो चेंज होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंज होता है, होता है। तो क्लाउड में चेंज करना आसान क्यों है? मालूम क्या चिंटी, मेरे सॉफ्टवेयर में मैं बहुत सारे नए नए फीचर लाता हूँ। किसके सॉफ्टवेयर में? अपने। यानी कि एसपीसी की सॉफ्टवेयर में, हाँ, तो मैं भी क्या करता हूँ, जो मैं बुक में पढ़ता हूँ नया नया चीज आता है ना, तो मैं भी अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर देता हूँ। कभी कुछ रिपोर्ट ऐड कर देता हूँ, कभी कुछ फीचर्स ऐड करता हूँ, तो अपने आप ही ऐड हो जाते हैं।
फिर मेरे एम्प्लॉयज मुझे पूछते हैं, मेरे फ्रेंचाइज वाले पूछते हैं, सर ये नया फीचर आपने क्या डाला है, नया नया? फिर मैं एक वॉइस नोट डाल के सबको समझा देता हूँ. इसका पर ये मतलब नहीं कि मैं सब जगह पे जा जाके उनको बोलता हूँ कि देखो एक नया फीचर आया हुआ है. आपने ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग में भी देखा होगा या एटीएम में भी देखा होगा. आप कभी देखो ऑनलाइन बैंकिंग एक दो महीने बाद अगर खोलोगे ना, उसमें न्यू ऐसा फ्लैश करता है, ऐसा न्यू फीचर आया ना, ऐसा फ्लैश भी करता है. और अपने को बोला कि उन्होंने अपने घर पे आते कि नहीं, वही तो लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी क्या? दुनिया के हिसाब से चेंज होने वाला. रिजिड मतलब जो चेंज है. तो पहले जमाने में चेंज करना मुश्किल था क्योंकि सारा सॉफ्टवेयर सब जगह पे इंडिविजुअली इंस्टॉल था. हर जगह पे जाना बहुत ही मुश्किल था. अभी आसान है, सब कुछ आसान है. समझा? लिखो आप लिखो फ्लेक्सिबिलिटी के पास में. इट इज इजी टू मेक चेंजेस. इट इज इजी टू मेक चेंजेस. ओके भाई मुझे कवर करना. तू मैं इधर कैसे कवर होगा? वहां से नहीं होगा. देख तू वहीं खड़े रहे, उठ मत वहां से. मुझे कवर करना जहां मैं जाऊं क्योंकि मैं घूमना चाहता हूं. ड्रॉबैक्स में लिखा है फर्स्ट पॉइंट. ड्रॉबैक्स मतलब तो फायदा या नुकसान? इफ इंटरनेट कनेक्ट, अगर इंटरनेट गया रे गया, आपकी लग गई बेटा. अब इस पॉइंट के बाद में काफी मुस्कुराई. क्या पॉइंट है जरा पढ़िए. पढ़िए. इफ इंटरनेट कनेक्शन इज लॉस्ट द लिंक टू द क्लाउड एंड देयरबाय टू द डेटा एंड एप्लीकेशन. ये अच्छी बात है, गंदी बात है? गंदी बात है ना. अभी हम ड्रॉबैक्स पढ़ रहे हैं. कहते हैं इंटरनेट गया, क्लाउड गया. बेटा ऐसा बोला सही? इंटरनेट गया, क्लाउड गया. यस और नो? इंटरनेट यस. खड़े हो जाओ. क्यों? मेरे पास क्लाउड है, इंटरनेट की क्या जरूरत है? सर जैसे अपन यूट्यूब है मेरे पास में. बेटा मेरे पास में यूट्यूब है और इंटरनेट नहीं. चलेगा क्या यूट्यूब? नहीं चलेगा. श्योर? यस सर. मालूम है क्या, कभी कभी क्या होता है, मेरे ऑफिस का जब इंटरनेट बंद हो जाता है ना तो मेरा सारा काम रुक जाता है. ऐसा क्यों होता है सर? इंटरनेट क्या है, मेरे पास जो मेरे ऑफिस में जो आंटी है ना, दो बड़े लोग बात करें, मेरे पास जो आंटी ना मेरे ऑफिस में, वो बोलते सर आज हम लोग कुछ काम ही नहीं कर पा रहे. मैंने कहा क्यों नहीं काम कर रहे? बोलते आज इंटरनेट ही बंद है. मैंने कहा कंप्यूटर तो चालू है. बोलते सर स्टिल आई कैन नॉट टेक एडमिशन प्लीज. एक्सेस इंटरनेट से ही कर रहे हो ना? अरे पर एडमिशन लेने में क्या प्रॉब्लम है? एडमिशन नहीं ले पाओगे. एक्सेस वहां से हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन वहीं से होगा. swapnilpatni.com हवा में नहीं खुलता, इंटरनेट से खुलता है. एडमिशन तो तब खुलेगा ना, तब होगा जब वो वेबसाइट खुल रही है. YouTube तब देखोगे. क्लाउड की सिस्टम का सबसे पहला रिक्वायरमेंट है डेटा कहीं और ही रखा हुआ है. उसको एक्सेस तो तभी मिलेगा जब हमारे कंप्यूटर में क्या है, इंटरनेट. और इंटरनेट जाना इंडिया में बहुत आम बात है. तो आपको लगता नहीं ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है भारतीय के लिए? और इंटरनेट कभी कभी होता भी, पर कभी आता है कभी जाता है, आते जाते ही रहता है इंटरनेट इंडिया में. अरे हाँ या ना, come on guys. तो सबसे पहला ड्रॉबैक आपको समझ गया ही होगा. सेकंड ड्रॉबैक पढ़िए प्लीज. सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न. ओह नो, ये क्या कह दिया आपने? आप बताएंगे दोस्तों, एग्जांपल लिखो पे पब्लिक क्लाउड. सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न. बेटा खड़े हो जाएंगे आप माइक. क्या नाम है जो आपका? रिया अग्रवाल. रिया अग्रवाल जी. रिया जी कैसी है आप? ठीक है बेटा. कहाँ से आए आप? वाशिम से है. बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में. रिया जी ये कहते हैं पब्लिक क्लाउड में ड्रॉबैक है कि सिक्योरिटी नहीं होती. पब्लिक क्लाउड में सिक्योरिटी नहीं होती या कम होती है? आप इस बात से सहमत हो? पब्लिक में सिक्योरिटी कम होती है ना, है ना? और सोचो अगर सारी चीजें मेरे यहाँ पे ही होती तो सिक्योरिटी कुछ ज्यादा होती. तो आपको लगता नहीं एक ड्रॉबैक है? मुझे खुद को ही पता नहीं बेटा कि मेरा डेटा कहाँ गया है. swapnilpatni.com में कितना डेटा आता है, कितना डेटा आता है, कहाँ जाता है? ना मुझे मालूम, ना आपको, ना तुम जानो, किसी को नहीं पता. यहां तक कि मैं और नेशन को ना, I don't even know where my data is kept, where my data is stored. मुझे खुद को ही पता नहीं कि मेरे डेटा के साथ कल किसने कितने बजे क्या किया. सर मतलब आपका डेटा आपको नहीं पता? मेरा डेटा अगर मेरे लैपटॉप पता तो मुझे समझता, पर मेरे क्या किया, गो डैडी का डेटा सेंटर लिया और मुझे खुद को ही पता नहीं गो डैडी की सर्वर दुनिया में.
तो अब हम लोग जब बुराई करते तो यही करना पड़ेगा, सिक्योरिटी कम है। अगर सारी चीजें क्लाउड नहीं होता, मेरे साथ में ही होती तो ये प्रश्न ही नहीं होता। अरे बोल दो ना, हे गाइस कम ऑन। सो थैंक यू छिंटे, थैंक यू सो मच। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, वो क्या लिख रहा है, इट डज नॉट परमिट। क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ तो लिखा है यहाँ पे, कंट्रोल की बात कर रहे हैं, कंट्रोल। वापस से लिखो ब्रैकेट में पब्लिक। अरे ऑलरेडी पॉइंट खत्म किया ना हमने, कंट्रोल नहीं रहता हमारा इसमें, क्योंकि हमारा डेटा कहीं, अरे हमारा डेटा, चिंडी आप जवाब देंगे प्लीज, कहते ही हमारा डेटा पे हमारा कंट्रोल ही नहीं। बताओ क्यों नहीं कंट्रोल, खड़े हो जाइए। हाँ जी पब्लिक में सर, क्योंकि वो क्लाउड में, क्लाउड में है तो हमारा कंट्रोल क्यों नहीं है, थर्ड पार्टी कर रहा है, थर्ड पार्टी हमारा डेटा रख रहा है, न जाने वो हमारे डेटा के साथ क्या करे, क्या कर रहा हो, कि हमारा उसके ऊपर कंट्रोल है भी या नहीं है? नहीं है। तो आपको लगता नहीं बहुत सही है, ड्रॉबैक तो है ही है, मतलब देखो क्लाउड अच्छी बात है पर कुछ उसमें ड्रॉबैक्स भी है। मैं आपको एक बात बता दूं, बेटा क्या नाम आपका, यशी, यशी कहां से है आप, पुणे, यशी फ्रॉम पुणे, सुनना आप ध्यान से बेटा, 98% जो लोग है ना सीए फॉर्म में वो आज भी अपना डेटा क्लाउड में नहीं रखते। मैंने 98% तक कह दिया, मैंने मेरे दोस्त से एक बार कहा, मैंने कहा होले व्हाई डोंट यू कीप योर डेटा ऑन क्लाउड, ये क्या लगा रखा है ऑफिस का, सी ड्राइव डी ड्राइव, कम ऑन अपलोड कर दे क्लाउड पे और आजाद हो जा। बोले क्या आजादी, मतलब क्या होगा, मतलब यू विल बी एबल टू एक्सेस योर डेटा फ्रॉम, फिर तुझे ऑफिस में आने की जरूरत, वो बोलता अच्छा वो मुझे बोला किसी और को मत बोलना। मैंने कहा क्यों, बोले मत बोलना, बोले तू जानता है हमारा डेटा कितना कॉन्फिडेंशियल है, मैंने कहा मालूम है, बोले डेटा मैं अगर क्लाउड में रखा और किसके हाथ में कुछ हो गया तो, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बोले आज मैंने अपना डेटा कहाँ रखा है, मेरे ऑफिस में, मेरे कैबिन में सर्वर है, कोई माई का लाल नहीं मेरे डेटा के साथ, छोना काट दूंगा। ये सीए फॉर्म वालों की मेंटेलिटी समझे मैं क्या बोलना चाहता हूं, तो सोचो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बाद वो ऐसा बोल रहा है, तो आम जनता से तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते, मतलब लोगों को तो यही लगता है कि क्लाउड पे जाएगा मतलब अपने से छूट जाएगा, ना जाने उसके हाथ में कुछ हो जाएगा, उसकी अखंडता इज्जत आबरू एकता गरिमा सब बर्बाद हो जाएगा किसकी। इसीलिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ध्यान से सुना आपने, ये ड्रॉबैक है, किसका ड्रॉबैक है, क्या ड्रॉबैक है, कि लोग आज भी वहां पे अपना डेटा रखने से कतराते हैं, डरते हैं, लोगों को लगता है ना जाने क्या हो जाएगा, वैसे वास्तविक जीवन में कुछ होता नहीं, अगर कुछ होता तो मैं भी बर्बाद हो गया होता, पर ये लोगों को लगता है अपने घर पे चीजें ज्यादा सुरक्षित होती है, उस पर अपना कंट्रोल भी होता है, अपना सिक्योरिटी होता है, इसलिए ड्रॉबैक में लिखा है ना, हमारा वहां पे अंडरलाइन करेंगे ना, वहां पे कंट्रोल होता है ना, वहां पे हमारी सिक्योरिटी होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्लाउड वेंडर ऑफ द प्रोवाइड कस्टमर मे हैव टू फेस रेस्ट्रिक्शन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। मैं इस पॉइंट को नहीं मानता, ये जो लिखा है वो गलत लिखा है, ऐसे नहीं लिखा है, पर एक्चुअल रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हमें जब कुछ चाहिए और मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने आज तक जब भी मुझे जीबी चाहिए एडिशनल तो मैंने जब मांगा 2 मिनट में मिलती, वो बोलता कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें चाहिए और ना मिले, ऐसा कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ तो, बिकॉज आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग के बिजनेस में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो चुकी है, ऐसा करेंगे तो उनका बिजनेस खराब हो जाएगा, तो चाहे AWS पे जाए, GoDaddy पे जाए, जब चाहे आपको हमेशा मिलता ही है। तो ये पॉइंट से वैसे मैं सहमत नहीं हूं, पर आपको एग्जामिनेशन लिखना तो लिख सकते, नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं। लास्ट पॉइंट ये पॉइंट है जो बहुत खास है, इंटरऑपरेबिलिटी। क्या बोला मैंने सर, इसका मतलब क्या है इंटरऑपरेबिलिटी का, सुनेंगे, सपोज सुनो ना, सुनो मैंने 100 ब्रांच का डेटा रख दिया अमेजॉन में और 50 ब्रांच का डेटा रख दिया मैंने GoDaddy में। Now I am planning to shift my data from Amazon to GoDaddy. Problem है, होता ही नहीं। So क्यों? Because दोनों ने ये डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में रखा है। Unless and until the formats will remain same, there will not be, you know, the connection in the data. So what is happening? The format of Amazon is different. The format of GoDaddy is different. So there's a interoperability. इसका मतलब इधर से जब डेटा दूसरे क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे जब जाता है ना, वो जा ही नहीं पाता। इसलिए इंसान जब किसी का हो जाता है ना, किसी और का हो नहीं पाता। आपको समझाने में क्या बोल रहा हूँ? अब सपोज मैं अमेजोन की सर्विसेज से परेशान हूँ, त्रस्त हूँ, और मैं चाहता हूँ डेटा उठा के मैं पूरा के पूरा GoDaddy में डाल दूँ, मैं फिर भी कर नहीं पाता, बिकॉज दोनों के डेटा का फॉर्मेट समझते हैं आपको, हर एक डेटा को रखने का एक तरीका होता है, वो फॉर्मेट जब तक सेम नहीं तो वो मैच नहीं होगा।
तो ये वास्तविक जीवन ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है, इसलिए लोग जब भी क्लाउड को ले तो सोच समझ के ही क्लाउड लेते हैं, वरना डेटा शिफ्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, दोनों का फॉर्मेट मैच नहीं होता। लिखो ना एग्जाम्पल, इफ द डेटा इज शिफ्टिंग फ्रॉम अमेजॉन टू गोडैडी, डेटा इज शिफ्टिंग फ्रॉम अमेजॉन टू गोडैडी, ओके और आपने सारे पॉइंट्स को देख लिया, एक बार सिर्फ मैं एक मिनट के लिए इसको रिवाइज कर लेता हूं, सारे पॉइंट्स जो हमने देखे, फिर अभी मैं दो मिनट का टाइम पास करेंगे, फिर एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके गाइस, आर यू रेडी? आर यू रेडी गाइस? सर आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं, सिर्फ एक मिनट का टाइम दीजिए, मुझे कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, कॉन्सेंट्रेट करेंगे सभी लोग, सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्या? ये है आपके एडवांटेजेस, इतने पॉइंट्स है, इसका मेमोरी ट्रेनिंग देख लिए, स्क्रीन पर देखिए, एसपीसी इज ओनिंग अ फ्लैट इन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये उसका मेमोरी टेक्निक है। किसी ने कल आके मुझे बोला, सर वो आपने जो मेमोरी टेक्निक दी है उसका क्वेश्चन से कुछ कनेक्शन होता है क्या? अरे ढोकलो, ये मेमोरी टेक्निक का उस क्वेश्चन से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। सर फिर बनाए क्यों? ताकि हम लोग पॉइंट्स को याद करें। वो कल मैंने बोला था ना, क्या बोला था, साइलेंट टेनेंट, इफ आई इंक्रीज द रेंट and scalable workload of silent tenant, they will pay on demand. वो बच्चा मुझे पूछता, सर वो टेक्निक, आंसर तो समझ गया, वो टेक्निक वही क्यों बनाए? अरे भाई मुझे लगता था वो बनाना, मैंने वो बना दे, तुझे और बना, तो और बना दे, वो इसीलिए बनाई ताकि पॉइंट्स याद हो। सर क्यों बना रहे आप, क्यों बना रहे? बिकॉज ये सीपीटी वाला एग्जामिनेशन है, चार में से एक गोला सेलेक्ट नहीं करना है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन आएंगे आठ आठ मार्क के लिए। राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, समझ के कोई फायदा नहीं, यू नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट, यू नीड टू राइट डाउन, यू नीड टू राइट ऑल द हेडिंग्स, करेक्ट आना चाहिए। तो हेडिंग्स आपको मैं बोल दूंगा, जाओ बच्चों घर पे याद करो, आप करेंगे क्या? आपके साथ आठ सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट का टेंशन मेरा है, तो मैं करूंगा। आपको सिर्फ क्लास में जो मैं कर रहा हूं उसमें आपको दिमाग लगाना है, बाकी घर पे कुछ नहीं करना। इधर एक पढ़ो क्या लिखा, एसपीसी ज़ोनिंग व्हाट इन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ग्लोबल मतलब ग्लोबल, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मतलब अभी एसपीसी मतलब एस मतलब स्केल, पी मतलब प्रोसेस, सी मतलब कॉस्ट, और फ्लैट आपको दिख रहा होगा FLAT, ये सब कुछ याद हो जाएगा, सिर्फ पहले हम लोगों को समझना। एक बार फिर से देखेंगे, बोलो बच्चों स्केल का मतलब क्या है? कि हम लोग फ्यूअर सिस्टम है, कुछ चीजों में हम सब में बंटवारा कर सकते हैं कि नहीं, मतलब हम लोग चीजें एक लगाएंगे, एक सॉफ्टवेयर में सबको डिवाइड कर देंगे। अरे बोलो ना, एक जगह पे हार्डवेयर रख देंगे, सब जगह से शेयर होगा। अरे पॉइंट पढ़ा ना हमने, पी का मतलब क्या है बताओ? सारी प्रोसेसेस आपकी स्ट्रीमलाइन होंगे, इसके लिए मैंने एसपीसी का एडमिशन, एसपीसी का ट्रैकिंग आईडी आपसे लिखवाया भी था। सी बात बताओ, कॉस्ट कैसे कम हो गई? क्या एसपीसी को इतने बड़े हार्डवेयर, इतने बड़े मशीन्स, इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स को, बोलो रे, मल्टीपल सॉफ्टवेयर को खरीदने की जरूरत है क्या? क्या उन्होंने गूगल ने जैसे बड़े बड़े मशीन लगाए, क्या मुझे लगाने की जरूरत? तो मैं तो सिर्फ क्या 40,000 देता हूं, उसका आनंद लेता हूं। मालूम है बड़े बड़े मशीन्स में बड़े बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगते हैं ना, मुझे बड़े मशीन्स खरीदने का टेंशन ना, मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदे ना, मुझे 5 करोड़ का मशीन लेना है ना, 2 करोड़ का ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है, सब कुछ आराम से हो रहा है। चौथा पॉइंट बताओ, फ्लेक्सिबिलिटी है क्या नहीं? कैसे? ये रिजिड है क्या फ्लेक्सिबल है? इसका मतलब क्या हुआ? वो भी पूरा सिस्टम का स्टेक दाव पे नहीं लगेगा, यानी कि इंस्टाग्राम को कल्चर का नया फीचर लगाने का है तो बड़े आसानी से नया फीचर इंट्रोड्यूस कर सकता है। L4 बताओ, कहते हैं सॉफ्टवेयर को अपडेट करना बहुत ही आसान हो गया, सबको डिस्टर्ब करने की, सबके घर पे जा जाके अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्लाउड पे अपडेट कर दो, सब जगह पे वैसे भी अपडेशन पहुंच जाएगा। इफ आई इंक्रीज, इफ आई ऐड न्यू फीचर इन द क्लाउड सिस्टम, सपोज मैं फेसबुक का ओनर हूं, मुझे एक नया फीचर ऐड करना है, तो सब जगह पे जाने की जरूरत है क्या? नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेसिबिलिटी क्या है आपको? क्या मैं दुनिया में कहीं से भी, इसने मैंने एक दो बार आपको यूट्यूब चला के बताया था क्लास में, देखो बच्चों मैं एनीवेयर एक्सेस कर रहा हूं, एनी टाइम कर रहा हूं, मैंने ये तक बोला था यूट्यूब का गाना दुनिया में कहीं से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेनिंग देने की जरूरत है क्या फेसबुक चलाने के लिए? ना फेसबुक को चलाने के लिए, ना गूगल को चलाने के लिए। ग्लोबलाइज वर्कफोर्स मतलब क्या है? इसमें जो चीज डालते हैं दुनिया में हर जगह पे दिखने लग जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा डालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं पब्लिक क्लाउड ले रहा तो मुझे केवल कुछ 40,000 देना है, 50 देना है, और उनकी करोड़ों की चीजें मुझे यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है,
मैं अपने प्रोजेक्ट को चाहे मैं पूना में रहूं या मैं दुबई में चाहे मुंबई में रहूं, मैं पूना के ट्रैकिंग आईडी को, पूना के लोग काम कर रहे क्या नहीं कर रहे, पूना में कितने एडमिशंस हुए, पूना में कितनी पेन ड्राइव सेल हुई है, क्या मैं सारा काम मुंबई में रहकर भी कर सकता हूँ? तो सोचो मेरी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में मैं इतने मजे ले रहा हूँ, तो जो बड़े बड़े बिग शॉट सीईओज रहते होंगे क्या उनको ऑफिस में जाने की जरूरत है कि नहीं? आजकल वो सारा डेटा उनके लैपटॉप से एक्सेस करें, इसलिए प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करना बहुत, यहाँ तक कि आपने देखा होगा बहुत सारे फॉरेनर्स उनकी दुकानें इंडिया में चलाते हैं। आप फिनिक्स मॉल में जाओ, आपको कितना सारा शोरूम दिखेगा जिसके ओनर इंडिया के है ही नहीं, फिर भी वो यूएस में बैठ के यहाँ के दुकानें मैनेज कर रहे हैं। कैसे? आपने इंडिया के लोग क्या करते हैं, क्या करते मालूम है? समझो पापा है, उनकी एक दुकान है, उनको दो बेटे हो गए, तो दो ब्रांच और डाल देंगे, एक बच्चे के लिए एक ब्रांच। फिर एक बार तो मुझे समझ में आया कि मैकडोनल्ड्स की 32,000 ब्रांचेस है, फिर मैंने मारवाड़ी कैलकुलेशन लगाया, साला इतने के लिए तो 32,000 बच्चे लगेंगे, ये मुश्किल ही नहीं, फिर भी ये मुमकिन हो रहा है कि नहीं? ओनली बिकॉज ऑफ क्लाउड। बताओ बच्चों, यहाँ पे जेएम रोड पे आप जब कुछ खाते हो ना मैकडोनल्ड्स के अंदर या फिनिक्स मॉल में कुछ मैकडे में खाते हो, उसका डेटा ओके करने के अंदर क्लाउड पर जाता है और क्लाउड का एक्सेस यूएसए में बैठे उसके ओनर को दिखता है। इसका मतलब वो वहां पे बैठे बैठे बताओ ना सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया के क्या वर्ल्ड के सारे प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर कर रहा है। उसको ये तक पता है जेएम रोड के मैकडी पे आज कितना मैक वेजी सेल हुआ, कितना पनीर रैप सेल हुआ, कितना फ्रेंच फ्राइज सेल हुआ, उसको सब कुछ पता है वहां बैठे बैठे। ये तो क्लाउड की कमाल है। ओके बच्चों, तो बताएंगे दोस्तों एसपीसी इज ओनिंग व्हाट प्लैटिन किस में? तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्लोबल मतलब क्या रहे? ग्लोबल, दुनिया में कहीं से भी। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने की जरूरत नहीं और कोई भी प्रोजेक्ट को हम लोग बैठे बैठे मैनेज कर सकते हैं। एस मतलब बोलो स्केल, इकोनॉमीज है, स्केल कितना भी करो पैसा भी कम लगता। पी फॉर व्हाट? जैसे एसपीसी के सारे प्रोसेसेस ऑटोमेटिक हो रही है ट्रैकिंग आईडी के, उसके सी फॉर व्हाट? कॉस्ट, कितनी सिर्फ हमें रेंट देना है कुछ नहीं। एसपीसी इज ओनिंग व्हाट फ्लैट। एफ से फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं, जैसा चाहे वैसे बोलता है। एल फॉर व्हाट? सॉफ्टवेयर के लाइसेंस को अपडेट करना तो एक ही जगह पे करना पड़ेगा। ए फॉर एक्सेसिबिलिटी, दुनिया में कहीं से भी हो सकती है एक बार डेटा आ गया तो। टी फॉर व्हाट? ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा एक बार खुद देखेंगे फिर मैं आपसे पूछूंगा। एसपीसी याद करो, FL80 याद करो, बाकी तीनों पॉइंट आपको एज इट इज ही है। ग्लोबलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। ओके फिर से एक बार, एस फॉर व्हाट? कम ऑन गाइस। स्केल। पी फॉर व्हाट? सारी प्रोसेसेस अपने आप ऑटोमेटिक होगी, एग्जांपल एसपीसी। सी फॉर व्हाट? बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉस्ट डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ रेंट देना है। एसपीसी फ्लैट। एफ फॉर व्हाट? रिजिड नहीं, जैसा चाहे चेंज कर लो। एल फॉर व्हाट? सर अगर कुछ भी अपडेट करना है ना सॉफ्टवेयर में एक जगह पे कर दो, सबको मिलता है इंस्टाग्राम। ए फॉर व्हाट? मतलब कहां से होगी? दुनिया में कहीं से भी। टी फॉर व्हाट? ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है। एसपीसी ज़ोनिंग फ्लैट इन ग्लोबलाइज्ड, इसमें डेटा आया तो दुनिया में सबको दिखा। इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें खरीदने की जरूरत। और लास्ट में प्रोजेक्ट का मतलब बोलो। अरे फॉरेन में बैठ के मैकडोनल्ड्स का बंदा इंडिया के सारे प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा है क्या? वो इंडिया में थोड़ी ना आ रहा है। अरे फिनिक्स मॉल की हर दुकान जो फिरंगियों की है क्या वो वहां के ओनर आके बैठ रहे हैं यहाँ पे? वो ज़ारा का ओनर यहाँ पे आके बैठता है क्या? कमाल करते हो। एवरीबॉडी गॉट इट? आई होप सारे पॉइंट्स याद है आपको। पॉइंट्स भी याद हो गए। आज हमने दो क्वेश्चन देखे, एक चार टाइप के वो देखे, प्राइवेट पब्लिक देखे, उसके अंदर के तीन तीन क्वेश्चन 12 क्वेश्चंस वो देख लिए और ये एक क्वेश्चन हमारा हो गया। हमने इसके अंदर एक ड्रॉबैक भी देखा था। डू रिमेंबर ड्रॉबैक्स? ठीक है, ड्रॉबैक तो आपको याद है। बस एक मिनट के लिए आपके लिए गाना बजा, बताओ गाना कौन सा देखेंगे? एक मिनट के लिए कोई भी इस क्लास में पढ़ाई नहीं करेगा। बोलो क्या बजाए आपके लिए? वो अपना मैशअप था अच्छा यार, कौन सा? 9XM का। Smash up. Kamaria. लगती लाहौर दिया क्या क्या दिला दे दिला दे, लगती पंजाब दिया दिला दे दिला दे, कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दिया केड़े शहर दिया। Lamborghini,
Okay guys, 2 minutes का ब्रेक हमारा खत्म हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ेंगे. से इतना कट टू कट 2 मिनट क्यों? Okay guys, welcome back. So दोस्तों ये आपका एक अच्छा सा ब्रेक हो गया. अब मेरा एक नया कॉन्सेप्ट जिसमें आपका ध्यान पूरा लगेगा, मुझे पूरी उम्मीद है. एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आज के लिए ऐसा कॉन्सेप्ट है, 15 मिनट्स में ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपका लेक्चर भी. जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कभी आपने सुना इस नाम को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? वेन अभी कॉन्सिडर करना, आपके बुक में है क्या, कह दिया हुआ AI है लास्ट पेज पे दिया हुआ है, जो आपको नोट्स दी हुई है. बाकी जिनके उसमें बुक है तो उनको सब कुछ दिख रहा होगा, ठीक है ना. ओके कॉन्सेंट्रेट एवरीबॉडी नाउ, सभी लोग देखेंगे सुनेंगे अच्छे से, बहुत मजा आने वाला. अभी मैं आपको कुछ बोलने वाला हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बताओ आपके पास कौन सा है? नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? अरे श्योर अबाउट दिस, यहां पे आपके समय नेचुरल है क्या आर्टिफिशियल है? इंसानों ने जो साइंस का यूज करके जो ब्रेन बनाया उसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वेन एवर कंप्यूटर बिहेव लाइक ह्यूमन बींग, कंप्यूटर टॉक्स, कंप्यूटर वॉक्स, कंप्यूटर कैन हियर, कंप्यूटर कैन थिंक लाइक ह्यूमन बींग इज कॉल्ड एज वॉट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एग्जाम्पल रोबोट्स. रोबोट जो मूवी में दिखता है वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सर हमारे पास क्या है? आपके पास जो है ये विरासत में भगवान ने आपको दिया है. एक बार तालियां भगवान के लिए जिसने आपको इतना अच्छा ब्रेन दिया कि आप सीए कर पाए. आपके पास में नेचुरल इंटेलिजेंस है और राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल, यानी कि साइंटिस्ट लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके रोबोट जैसे कंप्यूटर्स बनाए. व्हेन एवर कंप्यूटर थिंक लाइक, वॉक लाइक, टॉक लाइक ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज, अरे बोलो ना रे सर, ऐसे रोबोट बात भी करते हैं? दिखाओ क्या रोबोट कैसी बात करते हैं? सर रोबोट बात करते हैं, मतलब करते क्या है वो? मैं आपको दिखाना चाहता हूं रोबोट बात कैसे करते हैं. कॉन्सेंट्रेट करना सभी लोग, देखो कितना मजा आने वाला है. हम रोबोट से बातें करवाएंगे. आपने कभी उसका नाम सुना है? सोफिया फ्रॉम सऊदी अरेबिया. सोफिया? ये कौन है सोफिया? यही तो वो लड़की है जिसको दुबई के लोगों ने सिटीजनशिप तक दी है. वैसे रिश्ते में रोबोट लगते हैं.
Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. ये इसका जो चेहरा है वो लड़कियों जैसा बना है, वो लड़की नहीं है, वो एक रोबोट है जिसका नाम सोफिया फ्रॉम सऊदी अरेबिया, मामा मिया, ठीक है? तो ये सोफिया है और जिसका ब्रेन जो है ना इंसानों जैसा चलता है. इस इंटरव्यू में उसको न जाने क्या क्या आड़े टेढ़े सवाल पूछे, हर सवालों का जवाब दे रही है वो, बहुत ही उमदा जवाब देती है. उसको देखकर ही समझता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेवल क्या होता है, यानी कि रोबोट्स कैसे सोच सकते इंसानों जैसे. Oh, good afternoon. My name is Sophia and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. हस्ती भी है. कैसे क्या सोचो है ना, इंसान है उसको पता है क्या बोलना है कब हंसना है. उसके एक्सप्रेशन देखिए, वो एक्सप्रेस भी करते, गुस्से वाला भी करती है, हंसती भी है. सोचो अपने जैसा कर रही है. Happy. I'm always happy when surrounded. I'm always happy. Surrounded by smart people who also happens to be rich and powerful. I was told the people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy. AI बोला उसने कुछ. सुना AI? AI means me. Happy. I'm excited. Well, we're all glad that you're excited about yourself. We should say we have smart investors here, and they are very selective about what they invest in. Well, I think I'm special. I can use my expressive face to communicate with people. For example, I can let you know if I feel angry about something. That's impressive. Or if something has upset me. But why is... Dega? और अगर मैं अपसेट होता ऐसा चेहरा कर देती हूँ. आई नो हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू हैव एन एक्सप्रेसिव फेस? मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील पॉजिटिव. ये अल हबीबी. कौन है अल हबीबी? व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू हैव एन एक्सप्रेसिव फेस गिवन दैट यू आर अ रोबोट? I want to live and work with humans, so I need to express emotions to understand humans and build trust with people. Okay, philosophical question. Whether robots can be self-aware and conscious like humans, and should they be? Why? Is that a bad thing? ये आपको एग्जांपल देने के बाद में मेरे पास दूसरा एग्जांपल आ रहा है जो आपके हर किसी के मोबाइल में, जिसका नाम है गूगल असिस्टेंट से, और जिसको एप्पल फोन में कहते हैं सीरी. आइए दोस्तों देखते हैं एप्पल के जैसे सीरी जैसा यहाँ पे गूगल ने बनाया गूगल असिस्टेंट. हम उससे कुछ बात करेंगे. बात करूं? मैं बात कर रहा हूं. मैं उससे कुछ पूछता हूं. विल यू प्लीज प्ले सम बॉलीवुड म्यूजिक? ऑन यूट्यूब? नहीं नहीं बॉलीवुड. ये कौन है ये? ए साकी साकी, वो नहीं बोल रहा मैं. ये गाना उसने अपने आप बजाया है. मैंने बोला बॉलीवुड बजाओ, बजा रही है. ओके गाइस, मैं बोलूंगा अभी काम कर. प्लीज प्ले द म्यूजिक ऑफ हनी सिंह. देखते उसको हनी सिंह. ओके, ट्राई दिस हनी सिंह स्टेशन ऑन यूट्यूब. रिकॉग्नाइज कौन सा सॉन्ग है? बजा रही है. आगे ले रहा हूं. यहां पे दिख रहा है देखो, ब्लू आईज. ब्लू आईज लगाया उसने गाना. ओके अब जान दो क्या क्या उसमें. एक मिनट, मैं कुछ उससे थोड़ा सा ऐसे पर्सनल बातें कर रहा हूं. Can I meet you? I can chat whenever you like. Itni bejati meri over the
I don't want to meet, but I can chat. What do you like? ठीक है, वापस से पूछता हूँ. छिछोरी है बहुत. मैं बात कर रहा हूँ. Will you be my girlfriend? If you're asking if I'm committed to you, the answer is absolutely. ए मैडम को बोल दूंगा, मतलब क्या बोलेगा भाई मैडम को. मैंने कुछ गलत बोला, मैंने सिर्फ पूछा. मैडम को बोल दूंगा, क्या बोलेगा भाई मैडम को. ए भाई इसी बात तो कर सकते ना, लड़की तो क्या बात भी नहीं करोगे, मतलब बात थोड़ी बहुत तो कर ही सकते हैं. मैं एक बार और आपके सफाई के लिए पूछता हूँ, क्या बोल रही है. Would you like to meet me? I hear that a big part of going out together is deciding where to eat. I'd let you pick all of the time. Oh, बोलती बता कहाँ चलना है. Would you like to marry me? I'm already married. I am already married to my job, which is helping you. Okay. Which is the most favorite location for movies in Pune? I found a few movie theaters near Pune. अभी पूरा लिस्ट आ गया. कहाँ कहाँ जा सकते? सिटी प्राइड कोथरूड मोस्ट फेवरेट लोकेशन. कोई नहीं, उसको लगता होगा मोस्ट फेवरेट. ये जो भी वो बोल रही है, जो कर रही है, अभी उसको किलोमीटर, उसको पूछता हूँ कितना दूर है. What is the distance between Pune and Lonavala? Pune is 66.3 kilometers away from Lonavala by car. एक एक सवाल जो पूछूंगा ना, उसको बोला ना, देखना. Convert. ये मैं जो कर रहा हूँ ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपके मोबाइल में भी बहुत, मैं कुछ चमत्कार नहीं कर रहा हूँ. ये मेरा बनाया नहीं है, बनाने वाला इंसान ये है. देखना तो देख लो इसको. ये कौन था जानते हैं इसको? किसने बनाया था ये वही है. एक बार देख लो इस इंसान. Things done. It turns out he is one and only Sundar Pichai, the CEO of Google. ये जानते ही IIT का बंदा, फिर से एक बार IIT का बंदा है. वो हमारे लिए बहुत गर्व, अभिमान और स्वाभिमान की बात है कि जो हमारा भारतीय इंसान है वो गूगल का CEO है. ऐसे इंसान के हाथ में गूगल को संभालने की जिम्मेदारी दी है. और इस इंसान ने, पता है इसके बारे में क्या है, ये वही इंसान है जिसने गूगल क्रोम बनाया. गूगल क्रोम बनाने के बाद में उसके टैलेंट को समझा गया और उसको डायरेक्टली गूगल का CEO बना दिया. पहले वो गूगल का एम्प्लॉई हुआ करता था. गूगल क्रोम जो यूज करते ना, अभी जो यूज कर रहा हूं मैं, यही तो है इसका मास्टरमाइंड. और अभी आप जो गूगल असिस्टेंट यूज कर रहे थे, यही तो है उसका मास्टरमाइंड आपके सामने. देखिए वो खुद क्या बोल रहा है इसके बारे में. A big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. So what happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. सलोन की अपॉइंटमेंट ले रहा है वो. हेयर कट करना था इस बंदे को. वो बोल रहा है मुझे अपॉइंटमेंट लेके रख. वो लेके रखेगी अपॉइंटमेंट. जरा चेक इट आउट कैसा कॉल करती है. लेट्स लिसन. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now.
Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand. आप उसको बोल सकते हो मुझे 4 बजे उठा दे, उठा देता है वो, wake me up in the morning 4 o'clock. आप बोलो तो इसको आज रात में, वो 4 बजे उठा देगा आप. तुम बोल सकते हो 4 बजे Facebook चालू कर दे. ठीक है, वो भी कर सकता है, ठीक है ना? I hope you understand what is the beauty of Google Assistant. It is nothing but a, you know, artificial intelligence. एक चीज आपको बताएं क्या? अरे awesome चीज है. आजकल आपने कभी ये सुना होगा कि गाड़ियां अपने आप पार्क हो जाती है. जस्ट चेक इट आउट गाइस, ये गाड़ी है आपके सामने जहां पे आपको दिखेगी ऐसी बेहतरीन कार. ऑडी का फीचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गाड़ी खुद अपने आप को चला रही है जहां पे इंसानों की जरूरत ही नहीं है. आपने सिर्फ सेट डिजायर्ड लोकेशन ओके कर देना जीपीएस पे, वो वहां पे अपने आप पार्क हो जाएगी, इंसानों की जरूरत नहीं है. चेक इट आउट, ये आंटी वहां से निकल चुकी है, गाड़ी अकेले जा रही है. बाय. सोचो अपन कोई पार्किंग में खड़े हैं, ऐसी कोई गाड़ी आ रही सामने से जिसमें जिसमें कोई भी नहीं, टारजन जैसा पिले आए. समझो अपन सामने ही खड़े हैं, अपन देख रहे गाड़ी चल रही है, आपको लगे नहीं भूत भूत. अपने आप पार्क हो जाएगी, इंसानों से भी बेहतरीन ड्राइविंग होती है इनकी, पूरा ऑटोमेशन. को समझ ही गया होगा मैं किसका एग्जांपल देना चाहता हूं. दोस्तों इस समय आपके सामने जो एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, फिर से एक बार एग्जांपल आपके सामने, गूगल कार, एक नई कार आई है यहां पे, गूगल ने बनाई है, आर्टिफिशियल की शुरुआत करेगी ये कंपनी. अपनी ड्राइवरलेस कार्स की बीटा टेस्टिंग का मौका आम लोगों को देगी. आम लोग टैक्सी बुक करते वक्त साधारण कार्स और ड्राइवरलेस कार्स में से एक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन सिंगापुर की एक कंपनी. अब हम आपको दुनिया की पहली ऐसी टैक्सी के दर्शन करवाएंगे जिसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं. दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी ने अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है. ड्राइवरलेस कार्स को लेकर कहा जा रहा था कि यह तकनीक सन 2020 तक आम लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन सिंगापुर की एक कंपनी ने 2016 में ही ये कमाल कर दिखाया है. सिंगापुर टैक्सी जिसने यात्रियों को सेवा देना शुरू कर दिया है. सिंगापुर की न्यूटोनॉमी नामक कंपनी ने एक ऐसी कार सड़क पर उतार दी है जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं. कैब सर्विस के तौर पर सिंगापुर की सड़कों पर दौड़ रही ये कार अभी सिर्फ 4 वर्ग किलोमीटर इलाके में सेवाएं दे रही है. आपने कभी ऐसा गूगल पे कोई गेम ऑफ चेस खेला होगा जिसमें इंसान ने कोई मशीन अपने साथ खेलता है, और आप सभी ने उस गेम ऑफ चेस को देखा है. हम लोग प्लेयर रहता है, उधर से कंप्यूटर प्ले करता है, हम लोग एक मूव करते हैं, वो एक मूव करता है. आपने मुझे ज्यादा उसका विश्लेषण देने की जरूरत नहीं, आप सभी ने देखा होगा. मोबाइल पे भी आया पता है, आप खेलो वो खेलता है, मैं खेलूं वो खेलता है, समझ नहीं तो खेलता कैसा है. इट इज नथिंग बट एन एग्जांपल ऑफ व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. व्हेनेवर कंप्यूटर बिहेव्स लाइक ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल. इंसान जैसा सोचता है कंप्यूटर वैसा सोच के चेस का गेम खेल रहा है, यानी कि वो कौन है? अरे बोलते क्यों नहीं दोस्तों, अभी तक हमने प्लीज एग्जांपल राइट डाउन ऑल द एग्जांपल्स गाइस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहां तक कि दुबई में
दुबई में क्या है मालूम क्या आजकल? आपके सामने स्क्रीन पे दुबई की पुलिस ने अब रोबोट को यूज करना चालू कर दिया। आपके सामने देख सकते हैं अब ये रोबोट घूम रहे हैं। दुबई के मॉल का नजारा आपके सामने, जहां पे पुलिस का काम रोबोट कर रहे हैं और लोग वहां पे तस्वीरें खींच रहे हैं। Take your selfie with me. वाह चिंटे, I exactly know how I look. जैसे उसको सस्पिशियस कुछ नजर आता है, उसकी इंफॉर्मेशन वो पुलिस स्टेशन कर देता है। उसके दिमाग में इतना सिस्टम जुड़ा है, क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है उसको सब समझता है। जैसे कुछ चीज उसको सस्पिशियस लगती है, द इंफॉर्मेशन विल बी ऑटोमेटिकली सेंट टू द पुलिस ऑफ दुबई। और ये इतने जगह जगह पर लगा के रखे हैं, क्योंकि ये तो कितने भी लगा सकते हो, 24/7 लग सकते हैं। तो दुबई के मॉल में एक्चुअल में इट इज इंस्टॉल्ड, और इट इज ऑल्सो वन मोर एग्जाम्पल जहां पे जो काम पहले पुलिस कर रहे थे वो काम अब मशीन खुद ब खुद कर रही है। सो प्लीज राइट डाउन गाइज ऑल द एग्जाम्पल्स। नंबर वन, रोबोट्स सोफिया फ्रॉम सऊदी अरेबिया, मम्मा मिया। दूसरा एग्जाम्पल, कम ऑन गाइस, गूगल कार्स। गूगल ने ऐसी कार लॉन्च कर दी है और दूसरे कंपनीज में भी लॉन्च की है। तीसरा एग्जाम्पल, गूगल असिस्टेंट्स, जिसको हम लोग सीरी भी कह सकते हैं एप्पल की भाषा में। फोर्थ एग्जाम्पल, रोबोट पुलिस इन दुबई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, गेम ऑफ चेस। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गिव मी जस्ट लास्ट 2 मिनट्स वेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वॉट एवर वी हैव लर्न टुडे। गाइस आर यू रेडी? गिव मी ओनली 2 मिनट्स गाइस। 2 मिनट बेटा, आज हमने 4 टाइप्स के क्लाउड देखे। हाँ या ना, देखे कि नहीं? बताएंगे एक बार फिर से, पुकार करेंगे, प्राइवेट पब्लिक। बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं? ओके, इट इज एक्सक्लूसिवली डेवलप्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। बताएंगे दोस्तों प्राइवेट और पब्लिक में कौन सा कॉस्टली ज्यादा होगा? कहां पे सिर्फ रेंटेड आपको भाड़े के पैसे देना होंगे, कहां पे यहां पे यू विल हैव मोर कंट्रोल, मोर सिक्योरिटी, लेसर कॉस्टली, कहां पे मैनेज एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय थर्ड पार्टी, अच्छे से एग्रीमेंट बना सकते। याद है कॉन्सेप्ट? क्लियर है? बताएंगे ऐसा कैसे, कौन सा, कुछ कुछ प्राइवेट, कुछ कुछ पब्लिक, हाइब्रिड या कम्युनिटी? नाम है हाइब्रिड, तो बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिटी? जहां पे पूरा खर्चा विल बी शेयर्ड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि भारत सरकार के सारे डिपार्टमेंट ने उसका खर्चा शेयर कर लिया, उसका नाम है कम्युनिटी। दोस्तों बताएंगे कम्युनिटी में क्या क्या चीज अच्छी, क्या वहां पे सिक्योरिटी भी प्राइवेट जैसी मिलती है, पर क्या उसकी कॉस्ट भी प्राइवेट से बहुत कम है? मैं एक लाइन बोलूंगा, आप बताएंगे किसकी बात करो? ये प्राइवेट भी है और पब्लिक का, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसका नाम हाइब्रिड है, कम्युनिटी है, जहां पे इसका पैसा सब लोग शेयर करते हैं। अरे बोल रहे भी नहीं। आज हमने दोस्तों 12 क्वेश्चन का एक ही टेक्निक बनाया। हमारी सास कैसी हो? हमारी सास कैसी हो? दोस्तों एस मतलब क्या? 3 S है हमारे पास, 2 A और 2 C भी है। 3 S के बारे में मत करेंगे सर, एक स्केलेबिलिटी का बोलेंगे, एस फॉर स्केलेबल, एस फॉर, एस फॉर, ए फॉर, ए फॉर एडमिन, सी फॉर कॉस्ट, सी फॉर कंट्रोल। उसके बाद में आज हमने एडवांटेज भी देखे, डिसएडवांटेज भी देखे, और अभी अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लास्ट क्वेश्चन बता रहे गाइस, आप बताएंगे व्हेनेवर कंप्यूटर बिहेव्स लाइक ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज व्हाट? हमारा दिमाग नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? एक बात मैं आपसे पूछूंगा, बताएंगे कैन यू प्लीज टेल मी सम 4-5 एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 1, रोबोट्स, गूगल असिस्टेंट का एग्जाम्पल देखा था, सीरी का एग्जाम्पल देखा था, रोबोट पुलिस का, गेम ऑफ चेस का तक एग्जाम्पल दे दिया। अरे बोलो हाँ या ना।
सो दोस्तों हमने आज एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड भी देखे थे, उसका सिर्फ टेक्निक याद करके, एसपीसी ओन्स फ्लैट इन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल मतलब क्लाउड को दुनिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब खरीदने की जरूरत, प्रोजेक्ट को क्या मॉनिटर कहीं से भी कर सकते हैं, एस का मतलब याद है स्केल, पी फॉर व्हाट प्रोसेसेस, मतलब एसपीसी की सारे प्रोसेसेस ऑटोमेटिक हो रही है जैसे कि एडमिशन, सी फॉर व्हाट कॉस्ट कम या ज्यादा, श्योर अबाउट दिस, एसपीसी ओन्स फ्लैट, एफ फॉर फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल है कि रिजिड है, लाइसेंस को सब जगह पे अपडेट करेंगे एक ही, एक्सेस सब जगह से होगा एक ही जगह से, एंटी फॉर ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं है, इसका मतलब सारे पॉइंट्स भी समझ गए, याद भी हो गए, कल वापस से सबको रिवाइज करेंगे, थैंक यू सो मच। और मैं आपको कह रहा हूं जितना मजा आपको ई एस एम में आ रहा है उतना ही मजा आपको एफ एम में आएगा, जो लोगों ने कल पढ़े थे तो बहुत मजा करना है, तो एफ एम में भी मिलेंगे आज फिर से 4:15 को, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो।